तो स्टोरी के स्टार्टिंग में एक शॉप पर हमारे फीमेल लीड जेजे और मेल लीड लोरांग का फर्स्ट टाइम इनकाउंटर होता है। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और आज जेजे के हाई स्कूल का फर्स्ट दिन था। यहाँ वो हमें बताती है कि जिस स्कूल में वो एडमिशन ली है वह दो स्टूडेंट काफी पॉपुलर है, एक लोरांग और दूसरा रैन। अब यहाँ वो अपने पहले ही दिन अपने बेस्ट फ्रेंड जियांग के साथ लेट स्कूल पहुँचती है। वहीं रास्ते में उसका वॉलेट भी गिर जाता है जो लोरांग उठा लेता है। इधर लेट स्कूल पहुँचने पर दो सीनियर उनका नाम एंड क्लास कंप्लेन कॉपी पर रजिस्टर कर रहे थे, तभी वहाँ एक और लड़का पहुँचता है जहाँ सीनियर उसका नाम पूछती है लेकिन वो बताता नहीं है। तो सीनियर उसका कॉपी देखते हुए कहती है, तो तुम्हारा नाम लोरांग है, क्या तुम भी सेम क्लास से हो? लेकिन वो कुछ नहीं कहता है। हालांकि वो लोरांग नहीं रैन था, पर कंप्लेन कॉपी में लोरांग का नाम चढ़ जाता है। नेक्स्ट सीन जे जे और जियांग क्लास पहुंचती है जहां टीचर दोनों को अपना इंट्रोडक्शन देने कहते हैं। यह टीचर सबको ये भी बताते हैं कि इंग्लिश एंट्रेंस एग्जाम में जे जे टॉप पर थे। और फिर यहाँ दोनों को पता चलता है कि लोरांग तो उनके क्लास से है ही नहीं। दूसरे क्लास में हम लोरांग और रैन को देखते हैं जहाँ रैन को अपने किए पर गिल्ट फील हो रहा था, पर डायरेक्टली वो बता भी नहीं पा रहा था। इसके बाद टीचर आकर लेट आए स्टूडेंट का नाम अनाउंस करती है जिसमें पहला नाम लोरांग का था और दूसरा रैन का। रैन लोरांग से पूछता है, तुम रैन कब से बन गए? लोरांग कहता है, जब से तुम लोरांग बने। उधर जियांग और जेजे तो रैन को लोरांग समझ रही थी और उन्हें काफी वियर्ड लग रहा था कि जब वो इस क्लास से है ही नहीं तो इस क्लास से होने का प्रिटेंड क्यों कर रहा था। तभी क्लास मॉनिटर आकर जेजे को स्कूल यूनिफॉर्म का फी जमा करने कहता है। अब जब वो अपना वॉलेट खोजती है तो वो बैग में नहीं था। दूसरी तरफ लोरांग जेजे का पर्स ब्रॉडकास्टिंग स्टूडियो के इंचार्ज को देता है जहाँ वो पूछती है किसका पर्स है। लोरांग कहता है, पता नहीं, मैंने खोल के देखा नहीं है। उधर जेजे के कुछ क्लासमेट आइडिया देते हैं कि ब्रॉडकास्ट रूम में अनाउंस कर सकती हो, अगर किसी स्टूडेंट ने लिया भी होगा तो रिटर्न कर देगा। और तभी अनाउंस किया जाता है कि जिसका भी पर्स खोया है आकर ले जाए। जहाँ जाकर उन्हें पता चलता है कि पर्स रिटर्न करने वाले लोरांग और रैन है, इसलिए वे जल्दी से बाहर निकल कर दोनों को आवाज लगाती है। यहाँ जेजे लोरांग को देख कर छुप जाती है और अपने फ्रेंड को बताती है कि रैन ही वो लड़का है जिसे फर्स्ट टाइम उस शॉप पर देखकर मुझे लव एट फर्स्ट साइड हो गया था। अगले दिन क्लास टीचर अपने अपने क्लास में अनाउंस करते हैं कि कल से उनका मिलिट्री ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाला है। दूसरी तरफ जेजे काफी खुश थे क्योंकि मिलिट्री ट्रेनिंग के बहाने वो लोरांग से मिल सकते थे। अब नेक्स्ट डे सारे स्टूडेंट कैंप जाने के लिए तैयार थे जहाँ जेजे के क्लास के काफी सारे स्टूडेंट थे जो एक बस में एडजस्ट नहीं होते, इसलिए टीचर कुछ स्टूडेंट्स को सेक्शन ए के स्टूडेंट के साथ जाने कहते हैं। अब सेक्शन ए में ही लोरांग था, इसलिए जेजे जियांग को लेकर उनके बस में चली जाती है जहाँ रैन जियांग को देखकर छुपता है। वह जेजे बस के रैक में अपना बैग रख रहे थे तो लोरांग उठकर उसका हेल्प करता है। फिर वो खुश होते हुए पीछे जाकर बैठ जाती है और पूरे रास्ते बस उसे ही देखे जाती है। अगले दिन वे ट्रेनिंग कैंप पहुंचते हैं जहां एक सोल्जर कहता है, तुम लोगों ने ये पिकनिक समझ रखा है क्या जो इतना सारा स्नैक्स उठा लाए हो? और सबको अपना अपना सारा सामान जमा करने का ऑर्डर देता है, पर रैन चुपके से कुछ कुछ सामान छुपा लेता है। वह जियांग फ्रंट में होते हुए भी कुछ कुछ स्नैक्स छुपाने लगती है, पर एक सोल्जर उसे देख लेता है और सारा स्नैक्स रखने कहता है, लेकिन फिर भी वो टी शर्ट के अंदर स्नैक्स छुपाए हुए थी। सोल्जर पूछता है तो वो कहती है, यह स्नैक्स नहीं मेरा फैट है, पर तभी स्नैक्स गिर जाते हैं। ये देखकर सोल्जर उसे फ्रॉक जम का पनिशमेंट देता है। वहीं उसे देखकर रैन को हंसी आ जाता है, तब उसे भी सेम पनिशमेंट दिया जाता है। जहाँ जियांग उसे पूछती है, तुम सेक्शन ए के हो, फिर सीनियर से झूठ क्यों कहा कि हमारे क्लास से हो? अब उन्हें आपस में बातें करते देख सोल्जर उन्हें डबल पनिशमेंट देता है कि जो भी लेट जंप कंप्लीट करेगा उसे ग्राउंड साफ करना होगा, इसलिए रैन उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है। अगले दिन जियांग रैन पर गुस्सा रही थी क्योंकि उसके वजह से उसे ग्राउंड साफ करना पड़ा था, लेकिन दोनों तो अब भी रैन को लोरांग और लोरांग को रैन समझ रही थी, इसलिए यह जियांग कहती है, लोरांग से अच्छा तो रैन है, टैलेंटेड है और कितना वेल बिहेव वाला है। और ये रैन सुन लेता है और उसे काफी प्राउड फील होता है कि उसका तारीफ किया जा रहा है। दूसरी तरफ जेजे जियांग के पैर दर्द के लिए मेडिसिन लेने मेडिसिन रूम जाती है जहाँ डॉक्टर नहीं थी, पर यहाँ वो एसी देखकर आराम करने लगती है क्योंकि उनके रूम में एसी नहीं था। पर तभी वह लोरांग कुछ मेडिसिन लेने आता है तो जेजे को लगता है कि डॉक्टर है, इसलिए वो कहती है, मैं यहाँ इसलिए आराम कर रही हूँ क्योंकि मुझे फीवर है। लोरांग कहता है, तब तो एसी बंद कर देना चाहिए। जेजे कहती है, नहीं, मेरा बुखार ऐसा है कि एसी चलेगा तो ही ठीक होगा। तब तक वह डॉक्टर पहुंच जाती है और लोरांग को रजिस्टर बुक में एंट्री करने कहती है। इधर जेजे भी कहती है, मैंने भी अब तक से मेडिसिन नहीं लिया है।
डॉक्टर उसे पूछती है, तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है? लोडांग कहते हुए जाता है कि एकदम सीरियस बीमार है। अगले दिन जे जे जियांग को दिखाती है कि वो अपने साथ मोबाइल छुपा लाई है। तभी वहाँ एक फीमेल सोल्जर उन्हें दोबारा चेक करने आती है, पर इससे पहले वो जे जे का मोबाइल कैप्चर करती। जियांग अपना स्नैक्स का सैक्रिफाइस करके जे जे को बचा लेती है। दूसरी तरफ बॉयज रूम का भी चेकिंग चलता है, जहाँ रैन भी अपने साथ गेम प्लेयर ले आया था। अब यहाँ सोल्जर को देखते ही वो छुपते छुपाते जाने लगता है, पर सोल्जर को उस पर डाउट होता है, इसलिए वो रैन को रुकने कहता है, पर वो तो इग्नोर करके चलता ही जाता है। और सामने से लुडांग आ रहा था तो उसे देखकर छुप जाने कहता है, और लुडांग भी गैजेट लेकर छुपने के लिए सीढ़ी के नीचे चला जाता है, जहाँ ऑलरेडी जे जे अपना मोबाइल लेकर छुपकर बैठी हुई थी। अब यहाँ दोनों काफी क्लोज छुपकर बैठ जाते हैं, जहाँ जे जे कहती है, क्या तुम्हें हाइड होने में साई फील हो रहा है? पर लुडांग कुछ नहीं कहता है। उधर रैन तबीयत खराब होने का प्रिटेंड करता है। जब सोल्जर पूछता है क्या हुआ, तो उसे कहना था ब्लड शुगर कम है, पर वो कहता है बीपी कम है। सोल्जर भी समझ जाता है कि नाटक चल रहा है, इसलिए उसे कहता है ट्रेनिंग के बाद तुम ऑफिस साफ करना, ठीक हो जाओगे, और ऐसा नहीं करोगे तो सिंगिंग कॉम्पिटिशन ज्वाइन नहीं कर पाओगे। तब जे जे लुडांग से कहती है, रैन मेरा पर्स रिटर्न करने के लिए थैंक यू। अब लुडांग ये सुनकर हैरान होता है कि वो उसे रैन क्यों बोल रही है, पर वो कुछ कहता नहीं है। फिर जे जे कहती है, पर तुम्हारा फ्रेंड लुडांग को सही इंसान नहीं है, कल वो स्कूल लेट आया था और हमारे क्लास में होने का प्रिटेंड कर रहा था। वो ऑनेस्ट लड़का नहीं है, पर पता नहीं वो इतना पॉपुलर क्यों है। फिर कहती है, अगर तुम अपना मोबाइल सेफ रखना चाहते हो तो मुझे दे सकते हो, सेफ रहेगा। लुडांग भी उसे मोबाइल दे देता है और मोबाइल रख देने के लिए थैंक यू कहता है, इससे वो काफी खुश होती है। नेक्स्ट डे रैन और उसका साथ देने वाला वो लड़का जिसका नाम फैंग था, दोनों को ऑफिस साफ करने का पनिशमेंट दिया जाता है, जहाँ वे साफ कम लड़ाई ज्यादा कर रहे थे। सोल्जर कहता है, जब तक साफ नहीं करोगे दोनों को जाने नहीं मिलेगा। तभी वहाँ लुडांग आता है, जहाँ वे साफ करने में उसका हेल्प मांगते हैं, तो लुडांग भी हेल्प करने में लग जाता है। अब अगले दिन सिंगिंग कॉम्पिटिशन शुरू होता है, पर सोल्जर के कहने पर भी कोई खुद से गाने के लिए तैयार नहीं था। तभी जे जे लुडांग को आता देखती है और जियांग को इशारा करती है कि मेरा नाम अब अनाउंस करो। फिर जे जे उठकर कहती है, मैं ये सॉन्ग सेक्शन ए के रैन के साथ गाना चाहती हूँ। इधर रैन हैरान होता है कि मैं क्यों गाऊंगा, पर सब गाने कहते हैं तो वो भी उठ जाता है। ये देखकर दोनों हैरान होती है कि जिसको अब तक से वे रैन समझ रही थी वो तो लुडांग है और लुडांग रैन है। तभी अचानक से बारिश स्टार्ट होता है और अब सब इधर उधर जाकर बारिश से बचते हैं। जहाँ जियांग रैन से कहती है, तो तुम्हारा नाम रैन है? रैन कहता है, तुम जानती हो तो इतना सॉफ्ट क्यों हो रही हो? तभी वहाँ एक और स्टूडेंट आता है, तो जियांग रैन से क्लोज होती है। ये देखकर रैन कहता है, दिन दहाड़े मेरा एडवांटेज ले रही हो। जियांग काफी इरिटेट होकर उसे बाहर कर देती है, जहाँ रैन ओवर कॉन्फिडेंस के साथ कहता है, लगता है साई फील कर रही हो। अगले दिन जे जे बड़ा एम्बेरस फील कर रही थी। वो कहती है, लुडांग मुझे बेवकूफ समझ रहा होगा, इतने टाइम से मैं उसे रैन रैन जो बुला रही थी, इवन उसने मुझे बेवकूफ कहा भी। जियांग आइडिया देती है कि कुछ देर बाद हमारे टीम का गार्डिंग ड्यूटी है, तो क्यों ना उस टाइम तुम लुडांग को सब कुछ एक्सप्लेन करके उसे माफी मांग लो। जे जे को भी ये आइडिया सही लगता है, लेकिन क्योंकि रात का ड्यूटी था तो उसे डर भी लग रहा था। पर जियांग इनकरेज करती है कि तुम कुछ भी मत सोचो, बस लुडांग को सोचते हुए उसके पास जाओ। दूसरी तरफ बिल्डिंग वन के बाहर लुडांग और रैन गार्डिंग ड्यूटी पर थे, जहां रैन को काफी डर लग रहा था, पर वो अपना कूलनेस पर दाग नहीं लगाना चाह रहा था, इसलिए लुडांग को बता भी नहीं रहा था कि उसे डर लग रहा है। तभी अचानक पावर ऑफ हो जाता है। अब लुडांग कहता है, या तो चेक करने तुम जाओ या मैं जाऊंगा। रैन कहता है, मैं ही जा रहा हूं, पर तुम डरना नहीं। तभी वहां जे जे आकर कहती है, लुडांग क्या तुम्हें डर लग रहा है, मैं तुम्हारा प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। लुडांग अंदर ही अंदर हंसता है कि एक तो खुद डर से कांप रही है और मेरा प्रोटेक्ट करेगी। फिर यहाँ वो लुडांग से नेम मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए माफी मांगती है। दूसरी तरफ रैन पावर बोर्ड चेक करने जाता है, जहाँ अंदर घुसते ही दरवाजा बाहर से लॉक हो जाता है, और तभी एक बॉल गिरता है तो रैन डर से उछलने लगता है। फिर भी हिम्मत करके अपने आप को तसल्ली देता है कि कोई नहीं, बस बॉल था। लेकिन तभी कुछ देख कर वो काफी जोर से चिल्ला उठता है, एंड उसी बिल्डिंग पर जियांग का भी ड्यूटी था, तो आवाज सुनकर वो उसके पास पहुंचती है। उधर जे जे कहती है, जियांग स्टोर रूम तरफ गई है, मैं उसे चेक करके आती हूँ। हालांकि वो डर रही थी, पर लुडांग के सामने ब्रेव बनकर भी तो दिखाना था। दूसरी तरफ रैन जियांग को दरवाजा खोलने कहता है, लेकिन जियांग नहीं खोलती है, तो रैन कहता है, अगर हेल्प करोगी तो मैं अपना नंबर दूंगा तुम्हें। जियांग कहती है, तुम्हें लगता है मैं तुम्हारा नंबर पाने के लिए बेताब हूँ? और जाने लगती है।
तब रैन कहता है, अगर दरवाजा खोलने में हेल्प नहीं करोगी तो बाहर निकलकर मैं सबको यही कहूंगा कि तुमने लॉक करा था। इसलिए मजबूरन जियांग को दरवाजा खोलने के लिए रेडी होना पड़ता है, पर वो एक कंडीशन रखती है कि जो भी वो बोलेगी उसे करना होगा। रैन भी उसका कंडीशन मान लेता है। फिर वह दरवाजा खोलने का ट्राई करती है, पर दरवाजा खुलता ही नहीं है। तब वो जोर से धक्का देती है और इस चक्कर में वह रैन के ऊपर गिर जाती है। दोनों फटाफट उठते हैं और वहां से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ जेजे को लगता है कि उसके पीछे कोई भूत है, इसलिए वो रोने लगती है। तब लोरांग कहता है, डोंट वरी। अब उसे यहाँ देखकर वो कहती है, मुझे डर नहीं लग रहा था, मुझे बस लगा कि कोई भूत है। तभी वहाँ रैन और जियांग भी पहुँचते हैं, फिर सब ड्यूटी में लग जाते हैं। कुछ देर बाद फैंग स्वीट पोटेटो लेकर आता है, जिसके बाद सब फायर कैंप करते हैं। पर धुआं देखकर उन्हें डांट मिलता है कि वहाँ फायर कैंप कौन कर रहा है, और सब भागने लगते हैं। सीन शिफ्ट होता है जहाँ सारे स्टूडेंट फील्ड में बैठे हुए थे। यहाँ एक सेन नाम का लड़का काफी अच्छा गिटार बजा रहा था और वो इतना हैंडसम था कि जियांग का क्रश बन जाता है। अब मिलिट्री ट्रेनिंग खत्म होने के बाद हम सभी को वापस से न्यू सेशन में देखते हैं, जहाँ जे जे खुश नहीं थी क्योंकि फर्स्ट पीरियड ही मैथ था और ऊपर से उनके क्लास टीचर भी मैथ टीचर थे। पर टीचर समझाते हैं कि मैथ्स इतना भी डरावना नहीं है। वही लोरांग की क्लास टीचर इंग्लिश टीचर थी पर काफी स्ट्रिक्ट थी। इधर सभी को पता चलता है कि इस साल स्कूल में सोशल एक्टिविटीज नहीं होने वाला है क्योंकि इंग्लिश टीचर इन सब एक्टिविटीज को पसंद नहीं करती है। वही जियांग जेजे को आइडिया देती है कि कब तक सिर्फ लोरांग का फोटो देख देख कर खुश होती रहोगी, एटलीस्ट उसे फ्रेंडशिप करने का ट्राई तो करो, जानने का ट्राई करो कि उसे किस टाइप की लड़की पसंद है। तब जेजे उसका हेल्प मांगती है, इसलिए लंच टाइम जियांग रैन को ट्रीट देती है और पूछती है, तुम्हें किस टाइप की लड़की पसंद है। अब रैन को लगता है कि जियांग तो उस पर फुली इंटरेस्ट ले रही है, इसलिए एटीट्यूड के साथ कहता है, मुझे वैसी लड़की पसंद है जिसका नाम जियांग ना हो। जियांग अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए फिर पूछती है कि लोरांग का टाइप कैसा है, पर रैन ये नहीं बताता है। तब तक लोरांग और फैंग आ जाते हैं तो वो वापस जेजे के पास आ जाती है। तभी सैन भी कैंटीन आता है और ठीक रैन के पीछे बैठता है। अब जियांग सैन को देखे जा रही थी और रैन को लग रहा था कि वो उसे देख रही है। फिर रैन लोरांग से पूछता है, तुम्हें किस टाइप की लड़कियां पसंद है। काफी फोर्स करने के बाद लोरांग अपने डॉगी को सोचते हुए एक्सप्लेन करता है कि उसका ग्लोशी हेयर, बड़ा आईज, स्मार्ट लुकिंग, फूडी और स्पोर्ट्स उसे पसंद होना चाहिए और सबसे इम्पोर्टेंट कि वो मेरे साथ होनी चाहिए हर टाइम। अब ये टाइप जेजे को पता चलता है और वो काफी खुश होती है। फिर नेक्स्ट डे अपने आप को लोरांग के सामने स्मार्ट दिखाने के लिए वो फिजिक्स का एक आंसर उसे सुनाने लगती है। फिर लोरांग के जाने के बाद जियांग कहती है, तुम गलत आंसर बोल रही थी। इसे जेजे एम्बैरस फील करती है लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानती है और लोरांग को दिखाती है कि उसका भी आइज बड़ा है और उसे भी स्पोर्ट्स पसंद है। बस से घर जाते टाइम भी वो उसके बगल में बैठकर उसे काफी सारा क्वेश्चन करे जाती है, जहाँ वो उसे शांत रहने कहता है। लेकिन फिर वो एक्सप्लेन करती है कि मेरा भी बड़ा बड़ा आईज है, ग्लोशी हेयर है, स्पोर्ट्स पसंद है। तब लोरांग उसे अपने डॉगी का फोटो दिखाकर कहता है, मैं इसका बात कर रहा था। इससे जेजे को एक बार फिर एम्बैरस होना पड़ता है लेकिन लोरांग के फेस में स्माइल था। अब ये सब वो जियांग को बताती है, जहाँ वो कहती है, डोंट वरी, स्कूल एक्टिविटीज प्रोग्राम में तुमसे इम्प्रेस करने का ट्राई करना। एंड नेक्स्ट डे टीचर भी बताते हैं कि स्कूल एक्टिविटीज कैंसिल नहीं होगा। ये सुनकर जेजे और बाकी स्टूडेंट्स भी काफी खुश होते हैं। यहाँ जियांग जेजे को अपने साथ ड्रामा क्लब में ज्वाइन होने कहती है क्योंकि इस क्लब का इंचार्ज उसका क्रश सेन था। अब दोनों रैन और फैंग के पास जाती है और रिक्वेस्ट करती है कि किसी तरह लोरांग को भी ड्रामा क्लब में ज्वाइन करा ले। जहाँ रैन कहता है वो तो स्पोर्ट्स क्लब ही ज्वाइन करेगा, पर जियांग कहती है, अगर तुम लोग उसे ड्रामा क्लब में ज्वाइन कराओगे तो मैं तुम्हें अपने क्लास की सबसे प्रिटी गर्ल का नंबर दूंगी। ये सुनकर फैंग डील फाइनल करता है। इसके बाद लोरांग और रैन फैंग के दादी के शॉप पर थे, जहाँ जियांग और जेजे भी आती है। दादी जी उनसे पूछती है, क्या तुम दोनों भी फैंग की फ्रेंड हो? तो वो लोग हाँ कहती है। तब दादी जी बताती है कि फैंग के दोनों ही फ्रेंड अच्छे हैं, पर लोरांग का कुछ ज्यादा ही तारीफ करती है कि वो एकदम शांत, ओबीडियंट, मैच्योर टाइप का लड़का है। ये सुनकर जेजे काफी खुश होती है। फिर सब अपना अपना घर जाते हैं, जहाँ लोरांग और जेजे सेम बस लेते हैं। पर यहाँ तो वो नोटिस करती है कि एक आदमी जानबूझकर उसके बगल वाली लड़की से क्लोज हो रहा है, इसलिए वो उसे टोक देती है। जहाँ वो आदमी उल्टा जेजे को ही सुनाने लगता है कि तुम्हें देखने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, मैं तो शांति से खड़ा हूँ। पर वो लड़की भी कहने लगती है कि तुम्हारा इंटेंशन सही नहीं है। फिर लोरांग भी जेजे का सपोर्ट करता है तो सारे पैसेंजर भी उस आदमी को उतर जाने बोलते हैं।
इसके बाद वो लड़की जे जे को थैंक्स कहती है। फिर लोरांग पूछता है, डर नहीं लग रहा था? जे जे कहती है, लग रहा था, पर मुझे पता था तुम मेरे साथ हो। और ये सुनकर लोरांग साई फील करते हुए कहता है, मैं नहीं था। फिर दोनों का स्टॉपेज आ जाता है तो दोनों उतर जाते हैं। लोरांग कहता है, और कब तक फॉलो करते रहोगे? जे जे कहती है, बस यहीं तक, मेरा घर उधर है। अगले दिन लोरांग को पता चलता है कि फैंग और रैन ने तो ड्रामा क्लब में उसका नाम दे दिया है, लेकिन वो कोई बहस नहीं करता है। पर रैन फैंग को बताता है कि जियांग ने जिस लड़की का नंबर दिया है वो तो मेरा फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है, कहीं वो मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रही है। फैंग कहता है, नहीं, वो ऐसी नहीं है। रैन कहता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मुझे दूसरे लड़की का नंबर देना ही नहीं चाहती है क्योंकि वो मुझे लाइक करती है? फैंग कहता है, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। दूसरी तरफ जियांग जेजे को बताती है कि उसने अपनी मम्मी का नंबर रैन को दिया है। अब नेक्स्ट दिन ड्रामा क्लब का फर्स्ट दिन था, जहां लोरांग के आते ही जेजे और रैन के आते ही जियांग का फेस खिल जाता है। पर इधर रैन को लगता है कि जियांग उसे देखकर खुश हुए जा रही है, इसलिए उसके पास बैठकर पूछता है, मुझे देखकर काफी खुश हो? पर जियांग उसे इग्नोर करती है। वही लोरांग के बगल में एक दूसरी लड़की बैठती है जिसे देखकर जेजे को जेलस फील होता है। नेक्स्ट दिन इंग्लिश टीचर सभी स्टूडेंट्स को टेस्ट पेपर रिटर्न करती है, जहाँ टीचर बताती है कि इस टेस्ट में हाईएस्ट स्कोर जेजे को मिला है, इसलिए उसका पेपर सेक्शन 1 में सर्कुलेट होने गया है ताकि दूसरे बच्चे भी देख सके। अब ये जानकर वो काफी खुश होती है कि पेपर लोरांग के क्लास में है। वहीं लोरांग के कुछ क्लासमेट जेजे का पेपर देखकर उसे काफी इम्प्रेस होते हैं। अगले दिन जेजे लाइब्रेरी जाती है लोरांग के पास और कहती है, मैं तुम्हें फॉलो नहीं कर रही हूँ, मैं तो अपना टेस्ट पेपर लेने आई हूँ। तब लोरांग उसका पेपर रिटर्न कर देता है। फिर जेजे भी वहाँ स्टडी करने लग जाती है, लेकिन नोटिस करती है कि लोरांग का इंग्लिश काफी स्लो है, तो वो फ्री में एडवाइस देती है कि इंग्लिश कैसे इम्प्रूव करना है, जहाँ वो भी उसे याद दिलाता है कि तुम भी फिजिक्स एंड मैथ्स में लोल हो। इसके बाद हम स्कूल में लोरांग की मम्मी को देखते हैं, जहाँ लोरांग की क्लास टीचर बताती है कि लोरांग स्कूल के टॉप एक्सलेंट स्टूडेंट्स में आता है, इवन साइंस में उसका हमेशा स्कोर हाईएस्ट रहता है, पर इंग्लिश में वो फेल है। ये सुनकर उसकी मम्मी उसे कहती है, पता नहीं तुम कब अपने भाई लूली जैसा बन पाओगे। दूसरी तरफ जेजे को एम्बैरस फील हो रहा था कि कैसे वो एक टॉप स्टूडेंट को डायरेक्टली एडवाइस दे रही थी कि पढ़ना कैसे चाहिए। अगले दिन लोरांग कुछ इंग्लिश क्वेश्चन का प्रॉब्लम लेकर टीचर के पास जाता है, पर टीचर को एक मीटिंग अटेंड करना था इसलिए वो सामने जेजे को देखती है तो उसे हेल्प करने कहती है, और जेजे तो काफी एक्साइटेड होकर रेडी भी हो जाती है। फिर उसका सारा डाउट्स क्लियर करती है, जिसके बाद उसका क्लास टीचर उन्हें इस तरह देखकर खुश होता है कि स्टूडेंट एक दूसरे का हेल्प कर रहे हैं। वो लोरांग से कहते हैं, अगर तुम्हें इंग्लिश पेपर में कुछ पूछना रहेगा तो जेजे से पूछ लेना, पर लोरांग तो मना करता है। लेकिन जेजे कहती है, अच्छा रहेगा, मैं तुम्हें इंग्लिश समझाऊंगी और तुम मुझे मैथ्स और साइंस बताना, पर लोरांग कुछ नहीं बोलता है। अगले दिन इंग्लिश टीचर लोरांग से क्वेश्चन करती है, जहां वो वैसे ही बताता है जैसा जेजे उसे समझाई थी, इसलिए टीचर उसका तारीफ भी करती है। इसके बाद जेजे हर टाइम उसे फॉलो करती है और उसे फोर्स करती है कि मेरे साथ इंग्लिश का ट्यूशन ले लो। हर तरीके से उसे जताती है कि उसके साथ इंग्लिश का ट्यूशन करने से उसे वो कितना फायदे में रहेगा, पर लोरांग उसे इग्नोर करके घर आ जाता है, जहाँ उसकी मम्मी उसके लिए एक इंग्लिश ट्यूटर ढूंढ देती है, पर उस टीचर का एटीट्यूड ही कुछ ज्यादा था, इसलिए लोरांग अपनी मम्मी से कहता है, मैंने ऑलरेडी ट्यूटर ढूंढ लिया है, और उठकर चला जाता है। वहीं उधर जेजे एक शॉप पर थी, जहाँ वो लोरांग को देखती है तो उसे रोकती है और कहती है, मेरे घर में पावर कटा है और मैं खाना भी नहीं बना सकती हूँ, तो यहाँ हूँ, क्या तुम मुझे कंपनी दोगे प्लीज? अब उसका इस तरह फेस रिएक्शन देखकर लोरांग उसे कंपनी देने के लिए रेडी हो जाता है, जहाँ जेजे जबरन अपना फूड उसे शेयर करती है क्योंकि उसे पता था कि उसे भी भूख लग रहा है। इसके बाद लोरांग पूछता है, कितने में ये सब खरीदी हो? जेजे कहती है, तुम्हें पे करने का जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है तो नेक्स्ट टाइम तुम ट्रीट देना। अगले दिन वो ढेर सारा फूड खरीद भी देता है। जेजे कहती है, इतना जल्दी ट्रीट नहीं भी देते तो चलता। लोरांग कहता है, ये ट्यूशन फी है। ये सुनकर वो काफी खुश होती है कि वो ट्यूशन के लिए एग्री कर गया। फिर वो इसी बहाने उसे अपने वीचैट पर ऐड कर लेती है और घर आकर काफी खुश होती है एंड उसे मैसेज करती है कि कल हम लोग कितना बजे ट्यूशन क्लास स्टार्ट करेंगे। काफी देर बाद मैसेज करके वो बता देता है, लेकिन फिर भी वो काफी खुश होती है। अब नेक्स्ट डे ट्यूशन के लिए दोनों मिलते हैं, जहाँ फॉर्मल ड्रेस में जेजे को देखकर एक पल के लिए वो भी उसे देखता रह जाता है और हम उसे सीक्रेटली स्माइल करते हुए देखते हैं। इसके बाद लोरांग कहता है, कल मैं तुम्हें कुछ ट्यूटरिंग फी दे दूंगा, तो जेजे कहती है, नहीं,
ट्यूटरिंग फी देने का जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ाऊंगी, बदले में तुम मुझे मैथ्स और फिजिक्स बताना, हिसाब बराबर। अगले दिन स्कूल में जेजे और लोरांग को क्लोज देखकर फैंग और रेन कहते हैं, तुम चेंज हो गए हो। लोरांग कहता है, तुम दोनों से तो वो बेटर ही है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ बास्केटबॉल कोच कुछ वीक स्टूडेंट्स को ज्यादा प्रैक्टिस करने कहते हैं, जिनमें जेजे और जियांग का भी नाम था, इसलिए दोनों प्रैक्टिस करने लग जाती है। तभी उनका बॉल लोरांग की एक क्लासमेट को लगता है, पर वो बॉल उनके तरफ पास न करके दूसरे तरफ फेंक देती है, जो कि दो तीन सीनियर को लग जाता है, तो वे बुली करने पहुंच जाते हैं। पर जेजे उनसे कहती है, ये बॉल हमारा है। जहां एक सीनियर कहता है, अगर बॉल चाहिए तो हमारे साथ खेलना पड़ेगा, लेकिन जेजे और जियांग उन्हें इग्नोर करती है, पर वे लोग तो बुली करने में उतर जाते हैं। तभी लोरांग और बाकी सब आकर उन लड़कों को चैलेंज करते हैं कि हमारे साथ खेल के दिखाओ, अगर तुम हार गए तो माफी मांगना होगा। जहां वे लोग भी चैलेंज एक्सेप्ट करके गेम स्टार्ट करते हैं। इधर लोरांग की दो क्लासमेट एक से कहती है, लगता है लोरांग ये सब तुम्हारे वजह से कर रहा है। वही उधर लोरांग एंड उसका टीम जीत जाता है, जिससे जेजे और जियांग काफी खुश होती है। फिर रेन उन लड़कों से कहता है, जेजे और जियांग को बॉल रिटर्न करते हुए जाओ। ये सुनकर उनकी वो क्लासमेट जालस होकर चली जाती है। फिर जेजे भी लोरांग के साथ ट्यूटरिंग क्लास के लिए निकल जाती है, जिसके बाद रेन जियांग से पूछता है, अब बताओ मैं कूल लग रहा था कि नहीं। तभी सामने से सैन आ रहा था, तो उसका ध्यान उधर था, इसलिए वो हाँ कह देती है। फिर रेन और फैंग काफी देर तक खेलने के बाद रेस्ट करते हैं, जहाँ जियांग सैन को देखे जा रही थी, पर क्योंकि सैन रेन के पीछे था तो रेन को लग रहा था कि वो उसे देख रही है। फैंग कहता भी है कि मुझे नहीं लग रहा वो तुम्हें देख के स्माइल कर रही है। तभी जियांग उठकर सैन को चीयर अप करने लगती है। ये देखकर रेन को तो बड़ा झटका लगता है, पर फैंग का हंसी तो रुक ही नहीं रहा था। इसके बाद वो जियांग से पूछ भी लेता है कि क्या तुम्हारा क्रश सैन है। जियांग कहती है हाँ। रेन कहता है, तो फिर तुम मेरा तारीफ क्यों करती थी। जियांग कहती है, मैं तुम्हारा नहीं लोरांग का तारीफ करती थी, क्योंकि मैं उसे रेन समझती थी और तुम्हें लोरांग। पर जब उसे पता चलता है कि सैन रेन का फ्रेंड है, तो वो फिर से रेन से अच्छे से बात करने लगती है। हमेशा उसे पूछने लगती है कि सैन को क्या पसंद है क्या नहीं है, पर रेन उसे इग्नोर करता है। इस तरह एक दिन ड्रामेटिक क्लास खत्म होने के बाद सैन रेन को अपने साथ डिनर करने इन्वाइट करता है और अपने फ्रेंड्स को भी लाने कहता है। ये सुनकर जियांग कहती है, यस मैं भी जाऊंगी। रेन उससे पूछता है, क्या हम लोग फ्रेंड्स हैं। जियांग कहती है, चुपचाप एग्री करो वरना रूम में लॉक हो गए थे वो सबको बता दूंगी। तब रेन भी कहता है, हाँ ये मेरी बेस्ट से भी बेस्ट फ्रेंड है। सैन कहता है, ठीक है तुम भी आना। दूसरी तरफ जेजे को याद आता है कि छुट्टी के बाद उसे कुछ काम करना था, इसलिए वो लोरांग और फैंग को जाने कहती है। पर बस चढ़ने के बाद लोरांग देखता है बारिश स्टार्ट हो गया है, इसलिए वो अम्ब्रेला लेकर जेजे के पास जाता है। जेजे खुश होकर कहती है, मेरे लिए वापस आए हो। लोरांग कहता है, इसके बाद अगर कभी अम्ब्रेला नहीं लाओगी तो स्टाफ रूम से ले लेना। जेजे कहती है, अगर इसी तरह तुम मेरे लिए आओगे तो बारिश में भीगने पर भी मैं माइंड नहीं करूंगी। तब लोरांग साइफिल करते हुए अम्ब्रेला पकड़ा कर चला जाता है, पर फेस में स्माइल भी था। अगले दिन जेजे जियांग और उसके कुछ फ्रेंड्स को ट्रीट देती है और लोरांग के लिए भी कुछ स्नैक्स पैक करवा लेती है और देने उसका क्लासरूम जाती है। पर क्योंकि ब्रेक टाइम था तो क्लासरूम में कोई नहीं था, फिर भी वो कुछ इंग्लिश नोट्स और स्नैक्स उसके डेस्क पर रख कर जाने लगती है, जहां उस क्लास की क्लास मॉनिटर उसे देख लेती है। फिर ब्रेक के बाद वो कहने लगती है कि मेरे पास से क्लास फंड का एनवेलप नहीं मिल रहा है, और क्लास टीचर को भी इस बारे बताती है कि फंड मनी चोरी हो गया है। वो ये भी बताती है कि लंच ब्रेक में उसने जेजे को उनके क्लासरूम में देखा था। अब जेजे को भी बुलाकर पूछा जाता है कि क्या उसने क्लास फंड का पैसा चुराया है, जहां वो कहती है नहीं। प्रिंसिपल कहते हैं, पर सीसीटीवी कैमरा में साफ दिख रहा है तुम उनके क्लास गई थी, क्यों गई थी, जबकि वो तुम्हारा क्लास भी नहीं है। पर जेजे कुछ नहीं कहती है। तभी वहां लोरांग आकर बताता है कि ये मुझे इंग्लिश नोट्स देने आई थी, और नोट कॉपी टीचर को दिखाता है। प्रिंसिपल पूछते हैं, ये बात तुम पहले क्यों नहीं बता रही थी। लोरांग कहता है, क्योंकि मैंने ही ये बात सीक्रेट रखने कहा था कि ये मुझे इंग्लिश पढ़ाती है। तब टीचर कहते हैं, स्टूडेंट का एक दूसरे का हेल्प करे तो ये अच्छी बात है। फिर टीचर उस लड़की को भी समझाते हैं कि विदाउट एविडेंस किसी पर इस तरह इल्जाम नहीं लगाना चाहिए, और सबको अपने अपने क्लासरूम जाने कहते हैं। लोरांग जेजे से कहता है, तुम टीचर को क्यों नहीं बता रहे थे कि तुम मुझसे मिलने आई थी। मैं नहीं चाहता कि टीचर तुम पर डाउट करे। ये सुनकर जेजे को अच्छा फील होता है और वो एक्सप्लेन करती है कि उसने पैसे नहीं चुराए हैं। जहां लोरांग कहता है, पता है मुझे तुम पर भरोसा है। इसके बाद वो क्लासरूम आकर कहती है, अगर उस लड़की को पैसा नहीं मिला तो सब मुझ पर ही डाउट करेंगे। इधर लोरांग को भी जेजे के लिए बुरा फील हो रहा था,
अब स्कूल खत्म होने के बाद जियांग जे जे से कहती है, मुझे कुछ काम है, तुम अकेले घर चली जाओ। पर वो देखती है कि जियांग तो बाकी सबके साथ घर जा रही है, इससे उसको बुरा फील होता है। फिर वो अकेले वहाँ जाती है जहाँ डेली सभी क्लास का कचरा कलेक्ट किया जाता था। वो डस्टबिन में पैसों का एनवेलप ढूंढने लगती है कि अगर किसी तरह इधर फेंका गया होगा तो। पर वहाँ वो बाकी सबको भी देखती है, वे लोग भी एनवेलप ही ढूंढ रहे थे और उन्हें यहाँ देखकर उसे काफी अच्छा लगता है कि कितने डायमंड वाले फ्रेंड्स हैं। अब नेक्स्ट डे रैन और फैंग उस लड़की को कहते हैं कि पैसे अब तक से मिले नहीं है और तुम काफी रिलैक्स लग रही हो। ये सुनकर वो गुस्सा से कहती है, तो तुम दोनों मुझ पर ही डाउट कर रहे हो, और अपना सारा कॉपी किताब दिखाकर उन्हें चेक करने कहती है। एंड इत्तेफाक से पैसों का एनवेलप तो उसी के पास था। तब वो लुरांग से माफी मांगती है, जहाँ वो उसे जे जे से माफी मांगने कहता है, इसलिए सबके सामने उसे जे जे से माफी मांगना पड़ता है। इसके बाद फैंग सभी को अपने ग्रैंडमा के शॉप पर डिनर के लिए इनवाइट करता है, जहाँ जे जे फैंग की दादी को बताती है कि किस तरह से उन सब ने उसका हेल्प करा। फैंग की दादी कहती है, लड़के ऐसे ही होते हैं, वे अपने एक्शन से शो करते हैं कि जिन्हें वे पसंद करते हैं उनका वे केयर भी करते हैं। अगले दिन लुरांग जे जे से कहता है, वो लड़की रो रही थी तो टीचर उसका साइड ले रहे थे, तुम पर ब्लेम लगाया जा रहा था तो तुम क्यों नहीं रो रही थी। जे जे कहती है, मैं क्यों रोती, मैंने कुछ किया ही नहीं था। अगले दिन वीकेंड में सब अम्यूजमेंट पार्क जाते हैं, जहाँ सब एक एक हेयरबैंड लगाते हैं, तो जे जे रेन से एक्सचेंज कर लेती है ताकि लुरांग के साथ मैच कर सके। फिर वे वहाँ काफी ज्यादा इंजॉय करते हैं, जिसके बाद फैंग और रैन में तो बिल्कुल एनर्जी नहीं बचता है, और जियांग भी इंजॉय करने के हालत में नहीं थी, इसलिए जे जे एंड लुरांग अकेले ही पेरिस व्हील में चढ़ते हैं, जहाँ वो सबसे ऊपर पहुँच कर विश मांगती है कि लुरांग ज्यादा से ज्यादा स्माइल करे ताकि मैं उसका डिम्पल देख पाऊँ, और इससे लुरांग को हंसी आ जाता है। नेक्स्ट दिन जे जे लुरांग के एग्जाम का स्कोर देखती है और उसे बताती है कि तुम्हारा इंग्लिश में तो अच्छा मार्क्स आया है। लुरांग कहता है, तुम्हारा भी मैथ्स में स्कोर इंक्रीज हुआ है। फिर जे जे कहती है, स्कूल छुट्टी के बाद मैं तुम्हें कुछ दूंगी, वेट करना। पर छुट्टी के बाद वो मैसेज करती है कि मेरा स्कूल ड्यूटी है तो तुम घर चले जाना, कल दे दूंगी। पर लुरांग रिप्लाई करता है, मेरा बस छूट गया, तुम जल्दी आ जाओ। फिर वो आकर उसे एक रैबिट गिफ्ट करती है, और घर आकर लुरांग देखता है कि उसमें एक स्पीकर लगा हुआ है जिसमें जे जे का कुछ रिकॉर्डेड वॉयस था, जिसे सुनकर लुरांग के फेस में स्माइल आ जाता है। अगले दिन स्कूल में टीचर कहते हैं, कुछ दिनों बाद एनुअल स्पोर्ट्स होगा तो सारे स्टूडेंट्स अपना अपना नाम रजिस्टर करवा ले। वहीं लुरांग की क्लास टीचर ड्रॉ करवाती है, जहां रैन को शॉर्ट पुट मिलता है, पर वो टीचर से कहता है, मुझे एक्सचेंज करना है। तब टीचर कहती है, अगर कोई रैन से एक्सचेंज करना चाहे तो कर सकता है। तब फैंग कहता है, मैं करूँगा। पर जब रैन देखता है कि उसे 2000 मीटर रेस मिला है तो वो कहता है, छोड़ो, मेरा शॉर्ट पुट सही है। फिर लुरांग जे जे को बताता है, उसे 100 मीटर रेस मिला है, जहां वो भी बताती है, मुझे 1000 मीटर मिला है, और सोचती है, मुझे पता है तो मुझे चीयर अप करना चाहते हो। अगले दिन सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करने वो बाहर निकलती है, जहाँ वो लुरांग के डॉगी से टकरा कर गिर जाती है और उसके पैर में चोट लग जाता है, इसलिए लुरांग उसे बाइसाइकिल में बैठा कर हॉस्पिटल ले जाता है। यहाँ रास्ते में वो खूब बकबक करे जा रही थी तो लुरांग उसे चुपचाप टाइट से पकड़ कर बैठने कहता है। फिर वे हॉस्पिटल पहुँचते हैं, जहाँ डॉक्टर उसका चोट वोट साफ करके बैंडेज लगा देता है और जे जे को कम चलने कहता है, इसलिए लुरांग उसे अपना बैग में बैठने का ऑफर करता है, पर वो कहती है, इतना भी चोट नहीं लगा है। अब उसी हॉस्पिटल में रैन के फादर भी डॉक्टर थे तो लुरांग जे जे को उनसे इंट्रोड्यूस कराता है, जहां वो कहते हैं, रैन का जैसा पर्सनालिटी है कोई नहीं कहेगा कि तुम दोनों उसके फ्रेंड्स हो। तभी वहां जियांग घबरा कर पहुंचती है और जे जे से पूछती है, कहां चोट लगा है। रैन के फादर कहते हैं, ये लड़की एकदम रैन जैसी है। फिर लुरांग और जे जे अपने टेस्ट का रिजल्ट लेने जाते हैं, तब जियांग रैन के फादर से हेयर फॉल कंट्रोल करने का कुछ टिप्स लेती है। अब उसी टाइम रैन भी अपने पापा को चाबी देने हॉस्पिटल आता है, जहां वो जियांग को अपने फादर से बातें करता देख उसे लगता है जियांग को कुछ बीमारी है, इसलिए उसके पास जाकर पूछता है, तुम यहाँ क्यों हो और मेरे फादर से क्या बात कर रही थी। जियांग कहती है, कुछ नहीं, मैं तो जे जे से मिलने आई थी। पर रैन को लगता है ये एक्सक्यूज दे रही है। तब तक जे जे और लुरांग भी आ जाते हैं। फिर वे हॉस्पिटल से निकलते हैं, जहाँ लुरांग जे जे को घर छोड़ने जाता है। फैंग भी रैन को अवॉइड करती है क्योंकि उसे पता था कि अगर रैन को पता चला कि उसे हेयर फॉल का प्रॉब्लम है तो वो उसका मजाक बनाएगा। पर जब पता चलता है कि वो सच में बीमार नहीं है तो रिलीफ फील करता है। वहीं उधर लुरांग जे जे को घर तक छोड़ रखता है, पर जे जे कहती है, अब तुम जाओ, मैं चली जाऊंगी।
तो लोरांग भी चला जाता है। वो सोचती है पर मैं नहीं चाहती थी कि तुम चले जाओ। तभी लोरांग दरवाजा नॉक करता है और वापस से लोरांग को देखकर वो काफी खुश होती है। लोरांग उसे कुछ फूड देता है तो वो भी उसे उसका फेवरेट जेली देती है और कहती है मुझे पता है तुम मेरा केयर करते हो। लोरांग कहता है नहीं, ये मेरे डॉगी का गलती था इसलिए रेस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहा हूँ। अब नेक्स्ट डे वो जे जे को उसका क्लास तक पहुँचा रखता है। ये देखकर सब काफी हैरान होते हैं। यहाँ वो बताती है कि उसी की वजह से उसका पैर डैमेज हुआ है इसलिए बस वो हेल्प कर रहा है। अब क्योंकि उसके पैर पर चोट लगा था इसलिए वो ये भी बताती है कि वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगी। अगले सीन वो लोरांग से डिमांड करती है कि मुझे ये खाने का मन कर रहा है, तो लोरांग भी उसका डिमांड पूरा कर देता है। अब उसका पैर ठीक हो गया था लेकिन फिर भी वो नहीं ठीक होने का प्रिटेंड कर रही थी ताकि लोरांग का टेंशन मिलता रहे। इसी बीच एक दिन वो लोरांग के साथ बाइसाइकिल में घर जा रही थी जहाँ जे जे के फादर उन्हें देख लेते हैं पर फेस नहीं देख पाते हैं। अब घर आकर इस बारे बताते हैं कि आज मैंने एक लड़का लड़की को साथ आते देखा था, अभी तो वे एडल्ट भी नहीं हुए हैं। इस पर उसकी मम्मी उसे इस तरह का काम करने से मना करती है पर जे जे क्या कहते क्योंकि वो लड़की तो वो खुद ही थे। सेम शिफ्ट होता है और एनुअल स्पोर्ट का दिन पहुँच जाता है जहाँ स्टूडेंट्स के साथ साथ टीचर का भी स्पोर्ट्स चलता है। यह 100 मीटर रेस में सभी मेल टीचर का रेस होता है जहाँ जानबूझकर प्रिंसिपल को ही जिताया जाता है। इसके बाद रोप पुलिंग गेम स्टार्ट होता है जहाँ जे जे का भी एक क्लासमेट था जिसे वो लोग हैंडसम करके चेयर अप कर रही थी। तभी वहाँ लोरांग आता है तो जे जे शांत हो जाती है। फिर मैच ओवर होने के बाद लोरांग जाने लगता है। जे जे एक्सप्लेन करती है कि वो लड़का हमारे क्लास का मॉनिटर है और हैंडसम उसका निकनेम है, पर क्या तुम जेलस हो रहे थे। लोरांग कहता है ऐसा मैंने कब कहा। दूसरी तरफ जियांग अपने क्रश सेन को देखे जा रही थी। तभी वहाँ रैन आकर कहता है आई कैंट बिलीव कि तुम इतना डरपोक हो, मेरे सामने तो शेरनी बनती हो। वैसे अपना फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हो तो मैं ही सेन को बता देता हूँ। जियांग उसे रोकती है तो वो कहता है ठीक है नहीं बताऊंगा पर ये तुम्हारे परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है और उसे वाटर सर्व करने कहता है। इसलिए बेचारे जियांग मजबूरन उसे वाटर सर्व करती है। उधर लोरांग अपने रेस का रनर अप रहता है, फिर भी जे जे लोरांग का मेडल देखकर काफी खुश होती है इसलिए लोरांग उसे अपना मेडल दे देता है। ये देखकर लोरांग की एक क्लासमेट पूछती है तुम अपना मेडल उसे क्यों दिए। लोरांग कहता है क्योंकि उसे मेडल पसंद आया। पर घर जाते टाइम जे जे उसका मेडल उसे रिटर्न कर देती है। यहाँ लोरांग पूछता है क्या तुम मुझे लाइक करती हो। ये सुनकर वह घबरा कर कहती है नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, अभी तो हम सब इसके लिए काफी यंग है, और चली जाती है। फिर जियांग उसे बताती है कि अब रेडी हो जाओ। ऐसा क्वेश्चन तब पूछा जाता है जब या तो सामने वाला तुम्हें प्रपोज करने वाला हो या रिजेक्ट करने वाला हो। सीन शिफ्ट होता है जहाँ टीचर मीटिंग होता है और यहाँ टीचर डिसाइड करते हैं कि जिस सब्जेक्ट में जो स्टूडेंट टॉप में है वो दूसरे क्लास को भी पढ़ाएगा ताकि सभी को सभी सब्जेक्ट पर इंटरेस्ट ले। और इसलिए जे जे का भी टर्न आता है लोरांग के क्लास को पढ़ाने का, पर वो तो जेलस फील करता है और जल्दी घर जाने लगता है। उसे देखकर जे जे भी निकल जाती है और पूछती है क्या तुम जेलस हो रहे थे, मैं तुम्हें छोड़कर उन पर ध्यान दे रही थी तो। तभी वहाँ जियांग आकर बताती है कि कुछ दिनों में सभी क्लब का प्रोग्राम स्टार्ट होगा और हमारे ड्रामेटिक क्लब में भी प्रिंस एंड सिंड्रेला का शो किया जाएगा। अब घर आकर जियांग जे जे को सिंड्रेला का रोल प्ले करने कहती है और जे जे भी मान जाती है क्योंकि लोरांग के सामने उसे प्रीटी भी जो दिखना था। पर रोल के लिए वोटिंग किया जाता है जिसमें सिंड्रेला के रोल में जे जे ही जीतती है, पर फिर भी वो सैन को वोटिंग पेपर दिखाने का रिक्वेस्ट करती है जहाँ वो लोरांग का पेपर देखकर काफी खुश होती है क्योंकि लोरांग ने उसी को वोट दिया था। अब घर जाते टाइम वो लोरांग से पूछती है सिंड्रेला ऑडिशन के वोटिंग में तुम भी मुझे वोट दिए थे ना। लोरांग कहता है नहीं और यहाँ वो नोटिस करती है कि जब लोरांग झूठ बोलता है तो वो अपना नेक टच करता है। वो सोचती है झूठ बोलते हुए भी कितना क्यूट लगता है। फिर उसे मैसेज करके कहती है सिंड्रेला का रिहर्सल करने में तुम मेरे साथ रिहर्सल करोगे प्लीज। लोरांग कहता है ठीक है पर मैं तुम्हें जो टेस्ट लूंगा उसमें तुम्हें 90 मार्क्स लाना होगा। ये कंडीशन सुनकर वो स्टडी करने लग जाती है। अगले दिन जिस कैफे में वे ट्यूशन पढ़ते पढ़ाते थे वो आज बंद था इसलिए लोरांग जे जे को अपने घर ले आता है जहाँ उसे पता चलता है कि लोरांग अपने अंकल के साथ रहता है। फिर वो जे जे को पेपर शीट देता है और 2 घंटे का टाइम, जिसके बाद जे जे को सिर्फ 85 मार्क्स मिलता है। इससे वो लोरांग को एक्स्ट्रा 5 मार्क्स दे देने कहती है पर लोरांग नहीं देता है। तभी लोरांग के अंकल आ जाते हैं जो कि कोई और नहीं बल्कि जे जे के क्लास टीचर ही थे। वो जे जे से कहते हैं तुम्हारे रिएक्शन से लग रहा है इसने मेरे बारे नहीं बताया होगा। फिर वो लोरांग से कहती है
क्या मैं ही हूँ जिसको सबसे लास्ट में पता चला? लोरांग कहता है, नहीं, मैं जनरली बहुत कुछ दूसरों से शेयर नहीं करता हूँ। तब वो इस बात को सीक्रेट रखने के लिए 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मांगती है। लोरांग कहता है, नहीं, वैसे तुम स्टडी को लेकर सीरियस हो तो मैं तुम्हें 10 मार्क्स एक्स्ट्रा दे सकता हूँ। ये सुनकर वो खुश हो जाती है कि अब वो रिहर्सल में हेल्प करने के लिए रेडी है। इसके बाद सब फैंग के घर आकर रिहर्सल करते हैं, जहाँ फैंग को अपना स्क्रिप्ट ढंग से याद भी नहीं था, इसलिए सब उसे बाहर जाकर याद करने कहते हैं। अब वो बाहर निकलकर ईयरफोन लगाकर अपना स्क्रिप्ट याद करता है। तभी मार्केट से उसके दादी सब्जी लेकर आती है और उसी टाइम फैंग अपना स्क्रिप्ट लाइन बोलता है कि ये क्या तुम्हारे हाथों में बेकार चीज है। उसके दादी कहती है, बेकार चीज, ये तो फ्रेश वेजिटेबल्स है। और उसे अपने कामों में हेल्प करने कहती है कि सारा दिन मैं ही काम करूंगी, तुम्हारी नौकर हूँ क्या? अब इधर फैंग दूसरा लाइन कहता है, ऑफ कोर्स तुम नौकर हो। ये सुनकर उसके दादी उसे पीटने लगती है कि तुम मुझे नौकर कैसे बोल सकते हो। तभी सब बताते हैं कि हम लोग अपने स्कूल शो का रिहर्सल कर रहे हैं। फिर वह दादी के सामने रिहर्सल करते हैं और खूब इंजॉय भी। अगले दिन जेजे के क्लास टीचर यानी लोरांग के अंकल जेजे को बुलाकर थैंक यू कहते हैं, क्योंकि उसके इंग्लिश ट्यूशन देने की वजह से ही लोरांग का इंग्लिश इम्प्रूव हो पाया था। अब छुट्टी टाइम उनका फिट ट्यूटरिंग था तो जियांग को अकेले घर जाना पड़ता है। तभी एक लड़की उसे बताती है, तुम्हारा स्कर्ट गंदा हो गया है। तब जियांग उसे पैड मांगती है पर उसके पास नहीं था। फिर भी वो अपना बैग से दाग छुपाने का कोशिश करती है और रैन को देखकर कहती है कि आज मुझे घर तक छोड़ दोगे प्लीज, मैं चलकर जाने के हालत में नहीं हूँ। रैन कहता है, मुझे बास्केटबॉल खेलना है, पर शायद वो समझ जाता है और उसे थोड़ा वेट करने कहता है, लेकिन वो वैसे ही जाने लगती है। तभी रास्ते में सेन आकर पूछता है, कुछ प्रॉब्लम है क्या? चलो बैठो, मैं घर तक छोड़ रखूंगा। अब अपने क्रश के साथ बाइसाइकिल राइडिंग पर वो काफी खुश होती है। नेक्स्ट डे स्कूल में प्रोग्राम स्टार्ट होता है, जहाँ जे जे को सिंड्रेला के ड्रेस में देखकर लोरांग तो बस देखते रह जाता है। कुछ देर बाद उन्हें पता चलता है कि सेन का छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है। अब सब परेशान, क्योंकि प्रिंस का रोल तो वही करने वाला था। तब जे जे लोरांग को प्रिंस का रोल करने कहती है। सब रिक्वेस्ट करते हैं कि हाँ तुम तो कर ही लोगे, तुम्हें लाइन भी याद है, तो लोरांग भी रेडी हो जाता है। इधर जियांग काफी नर्वस थी, जहाँ रैन उसे अपने तरीके से रिलैक्स फील करवाता है। फिर उनका परफॉर्मेंस स्टार्ट होता है, जहाँ रैन उनके प्रोग्राम को रिकॉर्ड करता है। तब एक लड़का उसे कहता है, जियांग कितनी क्यूट लग रही है, तुम जियांग से क्लोज हो ना, सेटिंग कराने में हेल्प करो यार। रैन इरिटेट होकर कहता है, हम लोग क्लोज नहीं है। फिर प्रोग्राम खत्म होता है, जिसके बाद जे जे लोरांग से पूछती है कि आज मैं प्रीटी लग रही हूँ। लोरांग अपना नेक टच करते हुए कहता है, पता नहीं। फिर सब साथ में उनका फोटो खींचते हैं। नेक्स्ट सीन फैंग की ग्रैंडमा उसके ग्रैंडसन का परफॉर्मेंस देखकर काफी खुश होती है। वहीं रैन भी बार बार जियांग का वीडियो देखकर खुश हुए जा रहा था। फिर सोचता है, मैं इसे बार बार देख क्यों रहा हूँ। नेक्स्ट डे स्कूल के कुछ लड़के जेजे से बात कर रहे थे। ये देखकर फैंग लोरांग से कहता है, जालस हो रहे हो क्या? लगता है तुम्हारे सिंड्रेला को कोई और ही ले जाएगा। लोरांग कहते हुए चला जाता है, मुझे क्यों जलसी होगा। फिर बाद में जे जे लोरांग से कहती है, वो लड़के मुझसे कांटेक्ट नंबर मांग रहे थे पर मैंने नहीं दिया। लोरांग कहता है, मुझे क्यों बता रही हो। जे जे कहती है, क्योंकि मैं चाहती हूँ तुम मुझ पर ट्रस्ट करो। ये सुनकर उसके फेस में स्माइल आ जाता है। अब नेक्स्ट डे सभी सेन को विजिट करने हॉस्पिटल जाते हैं, जहाँ जियांग के फेस में स्माइल लाने के लिए रैन सेन से कहता है, तुम्हारे लिए गर्म सूप है, खाने मत भूलना। और ये सूप जियांग खिलाई थी, इसलिए फर्स्ट टाइम वो रैन को दुश्मन नहीं बल्कि फ्रेंड के नजरिए से देखती है। फिर सैन रैन को कुछ काम देता है तो जियांग भी उसका हेल्प करने के लिए रेडी हो जाती है। इसलिए नेक्स्ट डे रैन जियांग का वेट कर रहा था। तभी वही दो लड़के जो बास्केटबॉल गेम में हार गए थे, वो बदला लेने के लिए उसे अकेला देखकर फाइट करने के मूड में आ जाते हैं। पर इतने तक में जियांग आकर उन्हें धमकी देने लगती है और रैन उसका ब्रेवरी देखकर स्माइल करता है। फिर मौका पाकर वो रैन को पकड़कर भागने लगती है। सीन शिफ्ट होता है, जहाँ दो महिला लोरांग के अंकल से कहती है, इस मोहल्ले में लोरांग ही सबसे ऑबीडियंट लड़का है। उसके अंकल कहते हैं, हाँ वो हर समय पढ़ते रहता है, इवन वीकेंड में भी सेल्फ स्टडी के लिए लाइब्रेरी जाता है। तभी लोरांग बाहर निकलता है तो अंकल पूछते हैं, सेल्फ स्टडी के लिए जा रहे हो? लोरांग कहता है, नहीं, फ्रेंड के साथ एक्वेरियम जा रहा हूँ। अंकल कहते हैं, अच्छा तो रैन के साथ जा रहे हो, ज्यादा लेट नहीं करना। तभी जे जे उसे चलाने आती है। अंकल कहते हैं, अच्छा एक्वेरियम जा रहे हो ना, घर आने में कोई जल्दी नहीं है, आराम से एंजॉय करना और जे जे को घर पहुंचा कर ही आना, कुछ पैसा चाहिए तो ले लो। बताओ यार, हमारे अंकल अगर ऐसे होते तो क्या ही बात होता।
वेल, अगले दिन दोनों एक्वेरियम पहुंचकर साथ में अच्छा खासा टाइम स्पेंड करते हैं। इसके बाद एक बच्चा खो जाता है तो दोनों उसे उसके टीचर के पास पहुंचाने में उसका हेल्प करते हैं। इसलिए वो टीचर दोनों को एक पियर लॉकेट देती है जिसे जेजे एक लुड़ांग को दे देती है और दूसरा वो खुद रख लेती है। अगले दिन टीचर सभी को बताते हैं कि इस ईयर भी एकेडमिक कंपटीशन में मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट करना है, पर इस बात से ज्यादा चिंता स्टूडेंट्स में इस बात का था कि कंपटीशन के बाद वाला दिन डूम्स डे है, यानी दुनिया खत्म हो जाएगा। इस बात से जेजे भी परेशान थी। जहाँ लुड़ांग इन सब बातों में बिलीव करने नहीं कहता है, अब एकेडमिक कंपटीशन के लिए उन्हें दूसरा सिटी जाना था। तो रात में पैकिंग सेकिंग चलता है, जहाँ जे जे जियांग से पूछती है तुम एक्साइटेड क्यों नहीं हो। जियांग कहती है कैसे रहूं, मेरा क्रश तो जा ही नहीं रहा। जे जे पूछती है तुम सैन से कब बात आगे बढ़ाओगी। वो कहती है तुम्हारा जैसा हिम्मत नहीं है मेरे में। फिर वे दोनों सो जाती है। नेक्स्ट डे सभी ट्रेन में थे और ट्रेन का टाइम भी हो गया था, पर जे जे और जियांग अब तक से नहीं पहुंचे थे क्योंकि दोनों का अब तक से गुड मॉर्निंग नहीं हुआ था। और जब होता है तब टाइम देखकर दोबारा सो जाती है क्योंकि ट्रेन तो वैसे ही मिस हो चुका था, जल्दी उठ के भी क्या करती। अगले दिन उन्हें मैसेज कर देती है कि वे दोनों बस से जाएंगी पर रात हो जाएगा, इसलिए उनके आने का टाइम होने पर लुड़ांग बस स्टैंड के लिए निकलता है तो रैन भी उसके साथ निकल जाता है। जहाँ लुड़ांग को देख कर जेजे काफी खुश होती है, वह रैन भी जानता था कि जियांग कितनी केयरलेस है इसलिए उसके लिए जैकेट लेते आया था। फिर वे होटल पहुँचते हैं जहाँ जेजे की रूम पार्टनर एक दूसरे स्कूल की लड़की थी जिसका नाम शिया था। यहाँ दोनों एक दूसरे को अपने अपने बारे बताती है जिससे पता चलता है कि लुड़ांग और शिया तो मिडिल स्कूल में साथ ही पढ़ते थे। फिर शिया ये भी बताती है कि मिडिल स्कूल में भी वो काफी पॉपुलर था, इवन दूसरे स्कूल की गर्ल्स भी उसे जानती थी। ये जानकर वो लुड़ांग को मैसेज करती है क्या तुम सिया नाम की लड़की को जानते हो, वो तुम्हें जानती है। अब लुड़ांग भी उसे जेलस फील कराने के लिए कहता है हाँ वो फिजिक्स में काफी अच्छी है, उसका रिजल्ट भी अच्छा आता है। ये सुनकर जेजे को जेलसी होता है। इधर शिया उसे पूछती है तुम किस सब्जेक्ट का कंपटीशन देने आई हो। जेजे कहती है इंग्लिश। शिया कहती है इंग्लिश में तो लुड़ांग काफी वीक था, पता नहीं अब कैसा है। जेजे कहती है अभी उसका इंग्लिश इम्प्रूव हो गया है, एक टैलेंटेड लड़की उसे ट्यूटरिंग देती है। अगले दिन सब एग्जाम देकर निकलते हैं। जब शिया इसी सिटी से थी तो सबको यहाँ का टूर कराती है, पर जेजे उसे और जियांग को साथ देकर खुश नहीं थी। इवन वो साथ में माउंटेन चढ़ने से भी मना कर देती है, ये कहते हुए कि मेरा पैर दर्द कर रहा है। तब सब चले जाते हैं, पर लुड़ांग उसे कंपनी देने के लिए वापस आ जाता है, इससे वो काफी खुश होती है। लुड़ांग कहता है उन लोगों को हाइकिंग में एटलीस्ट 2 घंटा लगेगा तो चलो हम दोनों अपना मस्ती करते हैं, और दोनों काफी मस्ती करते भी है। वहीं उधर जियांग भी काफी थक जाती है तो रैन उसका बैग ले लेता है। रूम आकर जेजे जियांग को बताती है कि वो और लुड़ांग कहाँ कहाँ मस्ती करने गए थे। यहाँ जियांग भी बताती है कि शिया काफी अच्छी लड़की लगी, काफी हेल्पफुल और चेयरफुल लड़की है। अगले दिन वो अपना रूम जाती है तो बाहर लुड़ांग और शिया को देखकर रिटर्न जाने लगती है, लेकिन लुड़ांग उसे रोकते हुए कहता है मैं तुमसे मिलने आया था। शिया कहती है तुम दोनों बातें करो, मैं मार्केट जा रही हूँ। फिर लुड़ांग उसे बैंडेड देकर चला जाता है। अगले दिन शिया जेजे से पूछती है क्या तुम और लुड़ांग रिलेशनशिप में हो। जेजे कहती है नहीं बिल्कुल नहीं। शिया कहती है तो फिर तुम उसे लाइक करती हो राइट। जेजे कहती है पर तुम्हें कैसे पता। शिया कहती है मैं साइकोलॉजी स्टडी करती हूँ इसलिए फर्स्ट टाइम ही पता चल गया था। वैसे लुड़ांग काफी इंट्रोवर्ट टाइप का है, हो सकता है वो अपना फीलिंग बोल के एक्सप्रेस ना करे, पर जरूरत पड़े तो फर्स्ट मूव तुम ही उठा सकती हो। नेक्स्ट डे सबके जाने के टाइम भी शिया उसे एडवाइस देती है कि अगर वो साथ चलने में काफी स्लो रहे तो तुम भी स्लो मत हो जाना। इसके बाद सब ट्रेन चढ़ते हैं जहाँ फैंग डूम्स डे का याद दिलाता है। अब सब नर्वस थे कि कहीं सच में कल दुनिया खत्म तो नहीं हो जाएगा। अब रात हो जाता है और सब सो गए थे। जहाँ जेजे अपना आँख खोलती है तो लुड़ांग को देखकर खुश होती है। वहीं उसके सोने पर लुड़ांग भी उसे देखता है। इधर जियांग को सोता देख रैन उसके क्लोज होता है ताकि वो उसके शोल्डर पर सिर रखकर सो सके। तभी फैंग का नींद टूट जाता है और बताता है कि 12 बजने में सिर्फ 5 मिनट बाकी है। तब जेजे आखिरी टाइम पर सबको कुछ कुछ रिकॉर्ड करने कहती है और सब ऐसा ही करते हैं। फिर काउंटडाउन शुरू होता है और लुड़ांग जेजे को ईयरफोन लगा देता है ताकि वो रिलैक्स रहे, और 12 बजने के साथ कुछ नहीं होता है तो सब काफी खुश होते हैं। अगले दिन फैंग का डेस्कमेट उसे कहता है मेरा वाला स्कूल ड्यूटी आज तुम कर दो, मैं मंडे को तुम्हारा वाला कवर कर दूंगा, और फैंग मान भी जाता है।
लेकिन ये रैन को अच्छा नहीं लगता है, तो जियांग और जेजे को वो बताता है कि फेंग काफी सीधा साधा है, लेकिन इतना भी सीधा साधा होना सही नहीं है, वरना सब फायदा उठाते रहेंगे। लुडांग कहता है, मैंने भी उसे आज तक कभी किसी से लड़ते नहीं देखा है। जेजे कहती है, ऐसा बात है तो फिर हमें उसे समझाना चाहिए। अब नेक्स्ट सीन सब उसके शॉप पर थे, जहाँ दो आदमी उसके दादी से कहते हैं ये खाना सही नहीं बना है। तब फेंग दादी को अंदर करके उनसे कहता है, कोई बात नहीं, तुम लोग पेमेंट मत करो बट झगड़ा भी मत करो। लेकिन वे लोग तो बहस करने पर उतर जाते हैं। तब बाकी सब उठकर उनसे बहस करने लगते हैं, लेकिन फेंग उन्हें शांत रहने कहता है और उल्टा उन दोनों आदमी को पैसा देकर जाने कहता है, लेकिन बाद में उन्हें साइड तरफ ले जाकर धमकाकर पैसा वापस ले लेता है। वहीं इधर बाकियों को लगता है कहीं वे दोनों फेंग को बुली तो नहीं कर रहे, इसलिए रैन उसे देखने चला जाता है और उनके पास जाकर उनसे कहता है, तुम लोग एक स्टूडेंट को कैसे बुली कर सकते हो। पीछे से फेंग उन्हें धमकी भरा इशारा करता है कि कुछ बताना नहीं, इसलिए वे माफी मांगकर भाग जाते हैं। अब ये देखकर बाकी सब रैन से काफी इम्प्रेस होते हैं और फेंग भी बड़ा खुश होता है कि उसके फ्रेंड्स कितने इनोसेंट हैं। फिर घर आकर उसकी दादी पूछती है, कहीं तुमने फिर से फाइट वगैरह तो नहीं करा, जहां वो कहता है, बिल्कुल नहीं, अब मैं पास्ट वाला फेंग नहीं हूँ। नेक्स्ट डे रैन और लुडांग के फोर्स करने पर फेंग अपने डेस्कमेट को कहता है कि तुम्हें मेरा ड्यूटी कंप्लीट करके जाना होगा। अब नेक्स्ट दिन फेंग अकेले घर जा रहा था, जहां वे दोनों आदमी अपने बॉस के साथ उसे घेर लेते हैं, पर वो इग्नोर करके जाने लगता है। लेकिन वे उसके दादी के बारे उल्टा पुल्टा बोलते हैं तो वो बर्दाश्त नहीं करता है और उन्हें पीटने लगता है। इतने तक में बाकी सब वहाँ पहुंचकर उसे लड़ता देख हैरान रह जाते हैं। बाद में सब उससे कहते हैं, किसे पता था तुम इतना अच्छा बॉक्सिंग करते हो, अच्छा है पता चल गया, वरना हमें और एम्बैरस होना पड़ता कि मास्टर जी को हम खुद ज्ञान दे रहे हैं। फिर यहाँ वो सबको बताता है कि मिडिल स्कूल में वो बहुत एरोगेंट था, हमेशा दूसरों से लड़ाई झगड़ा में लगा रहता था, पर इन सब में उसके दादी को सबको झेलना पड़ता था। उसे हमेशा फेंग के किए पर सबसे माफी मांगना पड़ता था। इवन फेंग को ऐसे बिहेवियर के कारण स्कूल से भी निकाल दिया गया था, जिसके बाद उसकी दादी ने टीचर से काफी रिक्वेस्ट करा था। और इस तरह हमेशा उसकी दादी को दूसरों के सामने गिड़गिड़ाते देख फेंग को बुरा फील होता है और वो एक अच्छा इंसान बनने का ठान लेता है। फिर बताता है, इस वजह से मैं दोषों को अवॉइड करता हूँ ताकि मैं उनसे न उलझूं। अगले दिन उनका फाइनल एग्जाम खत्म होता है, जिसके बाद स्कूल छुट्टी भी हो जाता है। जे जे लुडांग से कहती है, क्या छुट्टी में तुम होम टाउन जाओगे, वहाँ जाकर मुझे बोल मत जाना एंड मेरे कॉल और मैसेज का रिप्लाई देते रहना। इसके बाद वो डेली घर में क्या क्या करती है ये सब लुडांग से शेयर करती है, पर लुडांग एक ही चीज शेयर करता है कि मैं स्टडी कर रहा हूँ। जे जे कहती है, एटलीस्ट हॉलीडे तो एंजॉय करो, वही करो जिसमें तुम्हें अच्छा फील हो। इसलिए लुडांग भी अपने डॉगे के साथ बाहर निकलता है और खूब एंजॉय करके जे जे को बताता है। तभी उसका भाई लूली आकर कहता है, तुम तो अंकल के साथ रहते हो ना, वो सिटी मस्ती करने के लिए कैसा है, तुम्हारे तो फ्रेंड्स भी नहीं है, क्या मैं कुछ दिन तुम्हारे पास रह सकता हूँ। पर लुडांग मना करता है कि ऑलरेडी फ्री टाइम मैं अपने फ्रेंड्स के साथ होता हूँ। ये सुनकर उसके भाई को बुरा फील होता है। दूसरी तरफ जेजे की ग्रैंड ग्रैंड माँ का न्यू ईयर में बर्थडे था, तो वे डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि न्यू ईयर यहीं रहकर सेलिब्रेट किया जाए या होम टाउन जाया जाए। स्टार्टिंग तो जेजे जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाती है, पर जब पता चलता है कि वो तो लुडांग का होम टाउन भी है तो वो तुरंत जाने के लिए एक्साइटेड हो जाती है और लुडांग को भी मैसेज करती है कि न्यू ईयर में मैं तुम्हारे होम टाउन जा रही हूँ। क्या ये सुनकर तुम थोड़े से सरप्राइज्ड और खुश हुए, लेकिन लुडांग नहीं कहता है पर खुश तो होता है। वहीं उधर लुडांग के कुछ रिलेटिव्स आए हुए थे, जहां लुडांग की मम्मी लूली का खूब तारीफ कर रही थी। रिलेटिव्स भी कहते हैं कि हाँ, लूली तो बचपन से ही काफी टैलेंटेड और चीयरफुल लड़का है, मगर लुडांग अब भी दूसरों से ज्यादा घुलता मिलता नहीं है, हमें नहीं लगता है स्कूल में उसके फ्रेंड्स भी होंगे। अब ये सब बातें लुडांग सुन लेता है और हर टाइम अपने भाई से कंपैरिजन उसे काफी हर्ट करता है, लेकिन लूली कहता है वो भी पढ़ाई में टैलेंटेड है और उसके भी फ्रेंड्स हैं। अगले दिन जे जे अपनी ग्रैंड ग्रैंड माँ का होम टाउन पहुँच गई थी, जहाँ उसकी माँ उसे उसके कजिन के साथ मार्केट जाने कहती है और वो इतना आलसी कि बिना ड्रेस चेंज किए ही निकल जाती है। और इत्तेफाक से मार्केट में उसका मुलाकात लुडांग से हो जाता है। अब उसे काफी एम्बैरस फील होता है और वह एक्सप्लेन करती है कि जनरली मैं ऐसे कपड़ों में बाहर नहीं निकलती हूँ, पर उसका कजिन बोलता है तुम तो हमेशा ऐसे ही रहती हो। वो सोचती है ये मेरा इंसल्ट करके ही छोड़ेगा। इसके बाद वह लुडांग को अपने घर इनवाइट करती है, तो लुडांग भी जाने के लिए रेडी हो जाता है। पर इस तरह जेजे को एक लड़के के साथ देखकर मोहल्ले वाले उसकी माँ को कॉल कर देते हैं कि तुम्हारी बेटी एक लड़के के साथ है। अब ये सुनकर जेजे के पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं कि इतना यंग एज में वो एक लड़के के साथ कैसे घूम सकती है।
कुछ देर बाद वे घर पहुंचते हैं तो जेजे के फादर उसे पूछते हैं कौन हो तुम। जहाँ जेजे बताती है यही लुरांग है जो मुझे मैथ्स और फिजिक्स पढ़ाता है। ये सुनकर उसकी मम्मी लुरांग को अंदर घुसाती है जहाँ जेजे तुरंत अपना ड्रेस भी चेंज कर लेती है जो कि उसके पेरेंट्स देखकर हैरान रहते हैं। फिर उसके पेरेंट्स दोनों को बातें करने कहते हैं और खाना बनाने चले जाते हैं जहाँ जेजे उन्हें बताती है कि इसे ये खाना पसंद नहीं है। लुरांग पूछता है तुम्हें कैसे पता। जेजे कहती है क्यों अचानक तुम्हें ऐसा तो नहीं फील हो रहा कि मैं कितना केयरिंग अटेंटिव और चेयरफुल हूँ। उसका बात सुनकर लुरांग भी हंसने लगता है। अगले दिन डिनर करने के बाद जेजे लुरांग को घर छोड़ने जाती है जहाँ उसे पूछती है क्या तुम अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे। मेरे पेरेंट्स ऐसे ही है हमेशा बकर बकर चलता ही रहता है। लुरांग कहता है नहीं बल्कि मुझे अच्छा लगा मेरे फैमिली में तो सब अपना अपना रहते हैं ज्यादा एक दूसरे से बात भी नहीं करते हैं। जेजे कहती है कोई नहीं मैं हमेशा फ्री रहती हूँ जब भी बात करने का मन करे मुझसे करना। सीन शिफ्ट होता है जहाँ हम रैन को उसके पेरेंट्स के साथ देखते हैं। आज न्यू ईयर ईव था लेकिन उसकी मम्मी को हॉस्पिटल से इमरजेंसी कॉल आता है तो वो हॉस्पिटल चली जाती है और उसके फादर को भी एक पेशेंट का कॉल आता है तो वे भी उधर कॉल में बिजी हो जाते हैं। इससे रैन को काफी बुरा फील होता है क्योंकि नॉर्मल दिन तो छोड़ो न्यू ईयर ईव जैसे मोमेंट में भी उसके पेरेंट्स उसके साथ नहीं थे। तभी उसे जियांग का कॉल आता है और उसे बात करके वो थोड़ा अच्छा फील करता है। वहीं फैंग अपनी दादी के साथ फायरवर्क एंजॉय कर रहा था। इधर 12 बजते ही जेजे लुरांग को न्यू ईयर विश करती है। उधर रैन और जियांग भी एक दूसरे को विश करते हैं। फिर नेक्स्ट डे जेजे एंड उसके पेरेंट्स घर आ जाते हैं। दूसरी तरफ जियांग के फादर उसे जबरन अपने साथ चलने कहते हैं। दरअसल वे पर्सनली रैन के फादर को न्यू ईयर विश करने जा रहे थे जिनके साथ जियांग की दादी का इलाज चल रहा था। इधर जियांग और रैन मैसेज में लड़ाई कर ही रहे थे पर जब वो रैन के घर पहुंचती है तो दोनों एक दूसरे को यहाँ देखकर काफी हैरान होते हैं। फिर उनके पेरेंट्स को भी पता चलता है कि दोनों तो फ्रेंड्स हैं। तो रैन के पेरेंट्स उसे कहते हैं जाओ जियांग को अपना रूम दिखाओ। अब जब वो उसके रूम जाती है तो उसके रूम में उसका कंप्यूटर देखकर ऑन करने वाली थी कि रैन को याद आता है कि वो उसके फोटो पर एडिटिंग कर रहा था इसलिए उसे देखने नहीं देता है और जल्दी से सब कुछ कट कर देता है। इसी बीच दोनों काफी क्लोज थे पर यहाँ जियांग कहती है समझ गई तुम कुछ 18+ देख रहे थे पर दिन में ये सब नहीं देखना चाहिए। अब बेचारा रैन उसे क्या समझाता। शुरू हो जाता है दोनों का लड़ाई। अगले दिन उनका न्यू सेमेस्टर स्टार्ट होता है। वहीं वेदर चेंज होने के साथ फ्लू का केस भी बढ़ रहा था। अब क्योंकि रैन के पेरेंट्स डॉक्टर थे तो उन्हें दूसरे सिटी में ड्यूटी मिलता है क्योंकि उस सिटी में फ्लू का केस ज्यादा था और उन्हें कल ही निकलना था पर ये रैन को अच्छा नहीं लगता है बट वो ये सो नहीं कर रहा था। दूसरे दिन वो स्कूल जाकर फैंग और लुरांग को अपने घर चलने कहता है पर दोनों ही तैयार नहीं थे हालांकि वो सो नहीं कर रहा था कि वो अकेला फील कर रहा है। फिर रात में वो ग्रुप में मैसेज कर के सबको परेशान कर रहा था। तभी उसकी मम्मी उसे कॉल करती है पर बहुत बात नहीं हो पाता है क्योंकि वो अपने ड्यूटी पर थी। इससे रैन को और भी बुरा लगता है। उधर फैंग अपने ग्रैंड माँ को बताता है कि कुछ देर पहले ही रैन मैसेज करके सबको परेशान कर रहा था पर पता नहीं अब शांत क्यों हो गया है। तब उसकी ग्रैंड माँ उसे रैन को चेक करने के लिए जाने कहती है। अगले दिन वो जियांग को कॉल करके रैन का घर जाने कहता है क्योंकि वो ट्रैफिक में फंस गया था। तो जियांग भी रैन का घर चली जाती है जहाँ देखती है उसे तो फीवर आया हुआ है। वो फैंग को मेडिसिन लेकर जल्दी आने कहती है और तब तक टॉवल भिगा कर उसका बॉडी साफ कर देती है। फिर कुछ देर बाद उसका भी आंख लग जाता है और जब रैन का नीट टूटता है तो उसे यहाँ देखकर उसे काफी अच्छा फील होता है। तभी जियांग का भी नीट टूटता है और वो बताती है कि फैंग भी आने वाला है। अब इसी बीच वो फिसल कर रैन के ऊपर गिर जाती है और दोनों का हार्ट बीट एक पल के लिए रुक जाता है। इसके बाद फैंग आकर कहता है चलो तुम मेरे घर वरना मैं अपनी दादी को अच्छे से जानता हूँ जब तक तुम्हारे पेरेंट्स आएंगे नहीं वो मुझे डेली तुम्हें चेक करने भेज देगी। फिर वे फैंग के घर पहुँचते हैं जहाँ उसका इनफ रूम नहीं था इसलिए वो फ्लोर में बेड लगाता है। वहीं रैन अपनी मम्मी से बात करता है जहाँ वह कहती है कि लौटने में 2 वीक लगेगा। ये सुनकर रैन को बुरा लगता है। तभी वहाँ जियांग आती है तो वो उसे शेयर करता है कि मुझे बुरा लगता है जब मेरे पेरेंट्स मुझे छोड़कर अपने पैशन को इम्पोर्टेंस देते हैं। तब जियांग उसे कम्फर्ट फील कराती है। इसके बाद वो फैंग के साथ सोता है और जियांग के बारे सोच कर स्माइल करे जाता है। ये देखकर फैंग कहता है तुम ब्लस क्यों कर रहे हो चेक करने दो तुम नॉर्मल हो या एबनॉर्मल। अब नेक्स्ट मॉर्निंग रैन लुरांग को मैसेज करके कल रात का स्टोरी बताता है और कुछ मेडिसिन लाने कहता है। वही जेजे भी मैसेज करती है कि मुझे कोल्ड पकड़ लिया है। इसके बाद लुरांग जेजे के लिए कुछ मेडिसिन ले जाकर
उसके डोर में रख देता है और कॉल करके कहता है मैं रैन के पास जा रहा हूँ, तुम याद से मेडिसिन खा लेना। दूसरी तरफ फैंग कहता है मुझे नहीं लगता है लुरांग आएगा। रैन कहता है 100% आएगा और तभी वो आ भी जाता है। अब उस रात रैन लुरांग को भी जाने नहीं देता है और कहता है बहुत सालों बाद इतने लोगों के साथ सो रहा हूँ। लेकिन यहाँ भी रैन और फैंग तो लड़ाई करते रहते हैं और लुरांग उन्हें इग्नोर करता है। तभी रैन की मम्मी उसे कॉल करके बताती है कि हम लोग नेक्स्ट वीक आएंगे, पर यह सुनकर भी वो खुश नहीं होता है क्योंकि वो अपने पेरेंट्स से जो प्यार चाहता है वो तो उसे कभी मिलता ही नहीं है। एंड यहाँ लुरांग उसे कंफर्ट फील कराने के लिए म्यूजिक प्लेयर देता है कि जब कोई नहीं तब गाना सुकून देता है। वहीं दूसरी तरफ जेजे को भी मेडिसिन लेने के लिए याद दिलाता है। अगले दिन टीचर बताती है कि अभी एक साइकोलॉजी सेमिनार स्टार्ट होने वाला है, जिनको अटेंड करने का मन हो वो कर सकते हैं। वैसे यार रैन कोई इंटरेस्ट तो नहीं दिखाता है, पर जब पता चलता है कि जियांग भी सेमिनार अटेंड करने वाली है तो वो सबको ले जाता है, जहाँ वो लेक्चरर टीनेज के बारे बताता है कि इस टाइम हम जिन्हें लाइक करते हैं उन्हें हर बहाने से आई कॉन्टेक्ट करते हैं, उनका एक स्माइल हमें सुकून देता है और ये सब कॉमन है। और ये रैन रिलेट कर पा रहा था, पर सबसे कहता है क्या बकवास लेक्चर मार रहा था। वैसे शॉप पर वो देखता है कि जियांग कुछ नहीं खरीद रही है क्योंकि उसका पॉकेट मनी खत्म हो गया था। तो रैन सभी से कहता है मेरे तरफ से ट्रीट है, जिनको जो लेना है वो ले सकता है, और जियांग को खुश देखकर काफी खुश होता है। इसके बाद फैंग से कहता है वो लड़की सुंदर है ना, उसका क्लिप जियांग के बालों पर काफी सूट करेगा। अब ये सुनकर दोनों को समझ नहीं आता है कि इसको हुआ क्या है। अगले दिन छुट्टी के बाद रैन जेजे से पूछता है जियांग कहाँ है। जेजे बताती है वो सैन से मिलने गई है, तब बहाना बनाकर वो भी चला जाता है। इधर जियांग चुपके से सैन का क्लास जाती है कुछ गिफ्ट्स देने, पर क्लासरूम खाली था और उसे पता भी नहीं था कि सैन का सीट कौन सा है, इसलिए वो एक एक डेस्क चेक करने लगती है। तभी रैन आकर उसे टीज करने लगता है। इतने में दो लड़की क्लासरूम आती है, जिनको देख जियांग रैन के साथ छुप जाती है, पर यहाँ जियांग इतना क्लोज थी कि रैन काफी साई फील कर रहा था। वो पूछती भी है कि इतना ब्लस क्यों कर रहे हो, जहाँ वो बात चेंज कर देता है। अब यहाँ सैन के डेस्क में जियांग को एक डॉक्यूमेंट मिलता है, जिससे उसे पता चलता है सैन अब्रॉड जाने वाला है। और नेक्स्ट डे ड्रामा क्लब के टीचर भी सभी को बताते हैं कि सैन आगे के स्टडी के लिए अब्रॉड जाने वाला है। इसके बाद जियांग सोच लेती है कि अब वो अपना दिल का बात बताकर रहेगी, और इसलिए वो एक लव लेटर लिखती है एंड स्कूल आकर जेजे को दिखाती है। अब ये कोई और ना देख ले इसलिए इस लेटर को एक कॉपी में रख देती है। फिर कुछ देर बाद उन्हें होश आता है कि लव लेटर तो जेजे के कॉपी में था, जो कि टीचर्स रूम चला गया है। दूसरी तरफ लुरांग एंड उसके क्लास मॉनिटर को कॉपी अरेंज करने का टास्क मिला था, जहां वो लड़की जेजे के कॉपी से वो लेटर देख लेती है। तो लुरांग को पढ़ के सुनाने लगती है कि फर्स्ट टाइम मैंने तुम्हें गिटार बजाते हुए देखा था एंड उसी टाइम मुझे लव एट फर्स्ट साइट हो गया था। पर लुरांग कहता है ये दूसरों का प्राइवेसी है, हेल्प करने नहीं आई हो तो जा सकती हो। फिर वहाँ जेजे आकर पूछती है क्या तुमने कुछ देखा, जहाँ वह गर्दन में हाथ रखते हुए कहता है नहीं। अगले दिन जेजे और जियांग ड्रामा क्लब के न्यू इंचार्ज से बात कर रहे थे। इधर फैंग दोनों को बताता है कि वो लड़का काफी अच्छा गिटार बजाता है। ये सुनकर लुरांग को लगता है कि जेजे का क्रश वही है और काफी जेलस होता है। नेक्स्ट दिन फिटनेस क्लास में टीचर स्कोर रीडिंग का टास्क लुरांग को देते हैं, जहाँ लुरांग काफी स्ट्रिक्टली जेजे के साथ बिहेव कर रहा था। अब स्कूल छुट्टी के बाद वो लुरांग से पूछती है कि आज तुम्हारा मूड ऑफ है, जहाँ वो नहीं कहता है। लेकिन जेजे समझ जाती है कि शायद उसने जियांग का लेटर देख लिया था और तभी से उसका मूड ऑफ है। वो कहती है क्या तुम उस लेटर के वजह से जालस फील कर रहे हो, पर तुम्हें शायद मेरा हैंडराइटिंग याद नहीं है। अब ये सुनकर लुरांग का मूड ठीक हो जाता है क्योंकि वो समझ जाता है कि वो लेटर जेजे का नहीं था। अगले दिन सैन जियांग को अपने एक प्रोग्राम में इनवाइट करता है, उसे कहता है कि इसे एज अ फेयरवेल ही समझना। अब वो ये सोचकर खुश हो जाती है कि सैन ने सिर्फ उसी को इनवाइट करा है, यानी वो उसके लिए स्पेशल है। इसके बाद फैंग कहता है क्या बात है, आज सुबह से लुरांग और जियांग काफी खुश है, जहाँ जियांग बताती है कि सैन ने उसे उसके प्रोग्राम में इनवाइट करा है। फैंग कहता है तो इसमें बड़ी बात क्या है, हमें भी इनवाइट करा है। ये सुनकर उसका एक्साइटमेंट कम हो जाता है। फिर भी वो क्या पहनकर जाएगी इसका तैयारी करने लगती है, पर उसके साथ शॉपिंग पर जाने के लिए कोई फ्री नहीं था। तब वो रैन को ले जाती है, जहाँ वो भी काफी तैयार होकर उसके साथ शॉपिंग करने जाता है। और यहाँ जियांग हाई हील्स खरीदती है, हालांकि हील्स उसके लिए अनकंफर्टेबल था,
रैन कहता भी है कि जब तुम्हें हिल्स पहनना पसंद नहीं है तो पहन क्यों रही हो, पर उसे सैन के सामने अच्छा भी तो दिखना था। अब प्रोग्राम वाले दिन जियांग को इतना ब्यूटीफुल देखकर रैन तो छोड़ो फैंग भी उसे देखता रह जाता है। इसके बाद सैन का प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला था, जहाँ रैन जियांग से पूछता है, मैं ये जानने के लिए क्यूरियस हूँ कि तुम्हें सैन से कैसे प्यार हुआ। जियांग बताती है, स्टार्टिंग में उसे गिटार बजाते हुए अट्रैक्ट हुए थे, फिर जैसे जैसे मैं उसे जानने लगी वो स्पेशल होता चला गया। उस दिन जब मैं तुम्हें घर पहुंचाने कर रही थी, उस दिन मैं घर जाने की हालत में बिल्कुल भी नहीं थी, और उस टाइम वो आकर मुझे घर तक ले गया, तब वो मेरे लिए और स्पेशल बन गया। लेकिन यहाँ हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि उस टाइम रैन समझ गया था कि उसे पीरियड हुआ है और इसलिए वो पैड खरीदने गया था, पर जब वो पैड लेकर आया तब तक जियांग जा चुके थे। नेक्स्ट दिन प्रोग्राम खत्म होता है और जियांग सैन को ढूंढ रहे थे, तब रैन उसे सैन के पास ले जाता है और सैन से कन्फेशन करने के लिए उसे भेज देता है, लेकिन खुद अंदर ही अंदर हर्ट हो रहा था। इधर जियांग सैन से कहती है, मैं बोलने में अच्छी नहीं हूँ, इसलिए इस लेटर में सब कुछ लिखी हूँ, और वो लेटर उसे दे देती है। सैन कहता है, मुझे तो अपने सिस्टर का याद आ गया, वो भी इसी तरह लेटर के थ्रू अपना बात बताते थे, पर आई होप हम लोग जब दोबारा मिलेंगे तब तक तुम बड़ी हो जाओगी, मैच्योर हो जाओगी और तुम्हें तुम्हारा मिस्टर परफेक्ट भी मिल जाएगा। अब ये सुनकर जियांग बहाने से वो लेटर वापस ले लेती है। नेक्स्ट दिन रैन उसके लिए स्लीपर ला देता है, क्योंकि उसे पता था हिल्स में वो कम्फर्टेबल नहीं है, और यहाँ वो जियांग को कंफर्ट फील कराता है। उसे बताता है कि तुम हो, किसी के लिए तुम्हें अपने आप को चेंज करने का जरूरत नहीं है, और रिजेक्शन तो लाइफ का पार्ट है। और अब जियांग को भी अच्छा फील होता है और वो कहती है, सैन मुझे सिस्टर समझता है तो इसमें भी कोई बुरा नहीं है। अगले दिन सभी सैन को छोड़ने एयरपोर्ट गए थे, जहाँ सैन सबसे कहता है, मैं नेक्स्ट ईयर वापस आऊंगा, आई होप तुम लोग और मैच्योर हो जाओगे तब तक। रैन कहता है, तुम हम सब से बस एक ही साल सीनियर हो और मैच्योर तो मैं बचपन से हूँ, तभी तो मैं अपना खिलौना तुमसे शेयर करता था। शैन कहता है, तुम मुझे वही खिलौना देते थे जिनको तुम पसंद नहीं करते थे, जिसे तुम पसंद करते थे उन्हें कभी शेयर नहीं करते थे। यानी शैन को पता था रैन जियांग को लाइक करता है। फिर सब स्कूल पहुँचते हैं, जहाँ फाइनल एग्जाम का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका था और सब पास थे, तो इस खुशी में सब घूमने जाने का प्लान करते हैं, जहां लुडांग की मम्मी उसे परमिशन नहीं देती है, इवन इस छुट्टी में भी उसे और पढ़ने कहती है लुली जैसा। पर उसके अंकल समझाते हैं कि बच्चों को थोड़ा बहुत फ्रीडम देना चाहिए, उन्हें भी अच्छा फील होगा, इसलिए उसे परमिशन मिल जाता है। फिर वे ट्रिप पर निकल जाते हैं और जाने के लिए वे ट्रेन लेते हैं एंड वहाँ भी खूब मस्ती करते हैं। फिर रेस्ट करते टाइम जे जे लुडांग के शोल्डर पर सो जाती है, तो वो काफी शाय फील करता है। इसके बाद सब वहाँ पहुँच कर काफी मस्ती करते हैं, लेकिन इसी बीच जियांग का वॉलेट खो जाता है जिसमें उसका सारा पैसा भी था, इस वजह से उसका मूड ऑफ भी हो जाता है। रैन और बाकी सब उसे कंफर्ट फील कराते हैं कि डोंट वरी, हमारे पास जितना पैसा बचा है उसे में एडजस्ट कर लेंगे। तभी उन्हें म्यूजिक कॉन्सर्ट का एक पैम्पलेट दिखता है। जे जे कहती है, क्यों ना हम सब दिन भर हेल्पर का काम करें, ताकि कुछ पैसों का भी अरेंज हो जाएगा, एंड सभी को ये आइडिया पसंद आता है। अब नेक्स्ट डे वे कॉन्ट्रैक्टर के पास जाते हैं, जहां सभी को कुछ ना कुछ काम मिल जाता है, जिनमें जियांग और रैन को टेडी कॉस्ट्यूम के साथ पैम्पलेट बांटने का काम मिलता है। वहीं दूसरी तरफ जे जे और लुडांग को बॉक्स निकालने का काम मिला था, जहां एक वॉलंटियर उसे कुछ सामान लाने अंदर भेजती है, तो लुडांग कहता है, मैं लाने जाता हूँ, पर वो लड़की कहती है, नहीं यहाँ का बॉक्स उठाना और भी हेवी काम है। तब जे जे अंदर चली जाती है। इधर वो लड़की क्वेश्चन मार्क एंगल से लुडांग को देखती है, जहाँ वो पहले ही बताता है हम लोग रिलेशनशिप में नहीं है। उधर जे जे सामान लाने अंदर जाती है, पर बाहर निकलने का रास्ता वो ढूंढ नहीं पा रही थी, एंड उसी टाइम लाइट्स ऑन ऑफ होने लगते हैं और वो डर से चिल्लाने लगती है। तभी लुडांग उसके पास आता है, तो वो उसे हक कर लेती है। अब उसी टाइम एक हॉरर म्यूजिक प्ले हो जाता है, इससे वो और भी डरने लगती है। पर लुडांग देखता है ये तो मोबाइल का रिंगटोन है और जे जे का फेस देखकर स्माइल करता है। दूसरी तरफ जियांग और रैन से पैम्पलेट को ले नहीं रहा था, इरिटेट होकर रैन वहाँ लेट जाता है और लेटे लेटे पैम्पलेट बांटने लगता है, और इस तरीके से लोग पैम्पलेट लेने भी लग रहे थे। तब जियांग भी वैसा ही करने लगती है। इसके बाद सभी को आज के वर्क का पैसा दिया जाता है, जहाँ वे सब इस म्यूजिक फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने का डिसाइड करते हैं इस पैसों से, इसलिए वे वापस उस आदमी के पास जाकर टिकट खरीदते हैं। नेक्स्ट दिन लुडांग की मम्मी उसे कॉल करके कहती है, लुली का एग्जाम इस बार काफी अच्छा गया है,
तुम्हें भी उससे सीखना चाहिए, न कि टाइम वेस्ट करना चाहिए। अब ये सब ताना सुन सुन कर वो पक चुका था, इसलिए कॉल कट कर देता है। तभी जे जे उसके पास आइसक्रीम शेयर करती है और पूछती है, तुम्हारे फैमिली में कौन कौन है? लोरांग बताता है, मेरा एक भाई भी है, मुझसे बेस्ट है, टैलेंटेड है। जे जे कहती है, पर तुम भी बेटर हो, मेरे लिए तो बेटर हो। ये सुनकर लोरांग भी बेटर फील करता है। वहीं अंदर तीनों कार्ड खेल रहे थे, जहाँ रैन विनर रहता है, इसलिए वो फैंग को कसकर मारता है, पर जियांग को एकदम धीरे से। ये देखकर फैंग कहता है, ये तो चीटिंग है। तभी शैन रैन को मैसेज करके बताता है कि अभी वो उसकी गर्लफ्रेंड के साथ है। अब ये मैसेज जियांग भी देख लेती है और उसका मूड ऑफ हो जाता है। फिर वो ये बात जे जे को भी बताती है, जहाँ वो कहती है, तो क्या अब तुम मूव ऑन करने वाली हो? जियांग कहती है, हाँ, आज नहीं तो कल ये होना ही था, और उसे ब्रदर कहना भी बुरा नहीं रहेगा। तभी उसकी आंख में कुछ घुस जाता है। उधर से फैंग भी छत आ रहा था, तो इस तरह जियांग को देख लेता है और रैन को आकर बताता है कि लगता है सैन की गर्लफ्रेंड है, ये जानकर उसे बुरा लगा है, रो रही है वो। अब नेक्स्ट डे सब म्यूजिक फेस्टिवल में पहुंचते हैं, जहां पहले वे फेस पेंटिंग करवाते हैं। तो यहाँ जे जे कहती है, मुझे सन पेंटिंग करवाना है। तो लोरांग कहता है, मुझे सनफ्लावर। इसके बाद प्रोग्राम स्टार्ट होता है, जहां भीड़ भाड़ में लोरांग और जे जे क्लोज भी होते हैं, आई इंटरेक्ट भी होता है और फिर सब काफी इंजॉय करते हैं। इसके बाद सब बीच जाते हैं एंड वहां भी खूब इंजॉय करते हैं और एक साथ बैठकर बातें करते हैं। डिसाइड करते हैं कि नेक्स्ट समर सब फिर यहां मस्ती करने आएंगे। अब अगले दिन उनका न्यू सेशन स्टार्ट होता है, जहाँ जियांग, जे जे और फैंग को सेम क्लास मिलता है। वही लोरांग और रैन भी फिर से सेम क्लास में थे, पर रैन को फैंग के बिना क्लास खाली खाली लग रहा था। अगले दिन ब्रेक टाइम रैन और लोरांग उन तीनों के क्लास जाते हैं, जहाँ फैंग को लगता है दोनों तो उसके लिए आए हैं, पर वे तो अपनी अपनी लड़कियों से मिलने आए थे। इसके बाद सब फैंग के ग्रैंड मा के शॉप पर थे, जहाँ सैन ने सभी के लिए कुछ गिफ्ट भिजवाया था, पर जियांग के लिए कोई गिफ्ट नहीं था। ये देखकर उसे अच्छा नहीं लगता है, पर रैन कहता है, शायद वो तुम्हारे लिए स्पेशल गिफ्ट भिजवाने वाला है। और घर आकर सैन को मैसेज करता है कि जियांग को कुछ गिफ्ट क्यों नहीं मिला, जहां वो रैन को खुद से कुछ खरीद के गिफ्ट करने कहता है। इसलिए रैन भी एक वॉच खरीद लेता है, पर क्या कहकर जियांग को देगा ये सोच सोचकर परेशान हो रहा था। तब फैंग आकर कहता है, लगता है सैन का गिफ्ट आ गया। अब वो वॉच देखकर काफी खुश होती है और उसे खुश देखकर सैन खुश होता है। अगले दिन जियांग वॉच पहनकर रैन को फोटो सेंड करती है। रैन पूछता है, गिफ्ट पसंद आया? वो कहती है, हाँ, ये जानकर वो और खुश होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग फैंग और जियांग स्टडी के लिए रैन के घर आते हैं, जहाँ जियांग कुछ स्नैक्स लेने रैन का रूम जाती है और यहाँ रैन का कंप्यूटर ऑन ही था, तो वो रैन और सैन का चैट पढ़ लेती है और उसे पता चलता है कि ये गिफ्ट सैन ने नहीं बल्कि रैन ने खरीदा है। इसके बाद वो उसे घूर जाती है। तो रैन कहता है, मुझे पता है मैं हैंडसम हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि मुझे देखते रहो। फिर वो पूछती है, सच बताना, मुझसे कुछ छिपा रहे हो क्या? अब रैन बोलने वाला था कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, कि बात चेंज करके कहता है, मैंने तुम्हारा कल वाटरमेलन खाया था, फैंग ने भी सेम क्राइम करा था। तब वो दोनों को मारने लगती है। इसके बाद वो घर आकर उस वॉच को देखकर काफी खुश होती है। दैट मीन्स धीरे धीरे उसे भी रैन से प्यार होने लगा था। नेक्स्ट डे जियांग की क्लासमेट कहती है, वाओ, ये वॉच तो काफी खूबसूरत है। फैंग बताता है, हाँ, किसी स्पेशल पर्सन ने जो दिया है। दूसरी तरफ जे जे और लोरांग सेल्फ स्टडी सेशन में थे, जहाँ वे पूरे क्लास में अकेले ही थे। तभी पावर ऑफ हो जाता है, तो लोरांग कैंडल जलाता है और फिर उसे मैथ्स बताने लगता है, लेकिन जे जे का ध्यान तो लोरांग पर ही था। अब नेक्स्ट डे कुछ स्टूडेंट्स आपस में बातें करते हैं कि अब बॉयज एंड गर्ल्स को एक साथ नहीं बैठाया जाएगा। फैंग रीजन बताता है कि कल सेल्फ स्टडी सेशन में टीचर ने एक लड़का और लड़की को हाथ पकड़े हुए देखा था और लगता है जल्द ही हमारे क्लास को भी वार्निंग मिलने वाला है। दूसरी तरफ लोरांग की क्लास टीचर भी सबको इस तरह का हरकत न करके अपने पढ़ाई पर फोकस करने कहती है। नेक्स्ट सीन लोरांग और जे जे फिर से सेल्फ स्टडी सेशन में अकेले थे, जहां लोरांग की वो क्लास मॉनिटर उन्हें देखकर उनका फोटो कैप्चर कर लेती है। इसलिए नेक्स्ट डे दोनों को बुलाकर पूछा जाता है कि क्या रिसेंटली तुम दोनों क्लोज हो। इस पर लोरांग ऑनेस्ट आंसर देता है कि हाँ, पर जे जे कहती है, वैसा नहीं जैसा आप लोग सोच रहे हैं। तब प्रिंसिपल उनका फोटो दिखाते हुए कहते हैं, फिर ये क्या है, खाली क्लास में तुम दोनों क्या कर रहे थे? जे जे के क्लास टीचर कहते हैं, ये इतना भी सीरियस बात नहीं है, हम सभी को पता है कि ये दोनों एक दूसरे को ट्यूटरिंग क्लास देते हैं, हो सकता है जिसने फोटो कैप्चर करा है उस स्टूडेंट को पता नहीं होगा।
फिर प्रिंसिपल दोनों को समझाते हैं कि तुम दोनों ने एनुअल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करा है, तुम्हें अभी स्टडी में फोकस करना चाहिए और कंपटीशन का प्रिपरेशन करना चाहिए। तब लुडांग सेवज आंसर देता है कि विदाउट प्रिपेयरिंग भी मैं फर्स्ट ही होऊंगा। जेजे भी कहती है मैं भी। फिर टीचर उन्हें क्लास जाने कहते हैं। अब छुट्टी के बाद वो लड़की जेजे से कहती है, टीचर से डांट सुनने के बाद भी तुम लुडांग को परेशान कर रही हो ना। जेजे कहती है, तो वो तुम हो जिसने टीचर से कम्प्लेन करा था। क्यों, क्या तुम लुडांग को लाइक करती हो? अगर करती भी हो तो मुझे क्यों परेशान कर रही हो और ये सब हरकत करके अपने आप को बेवकूफ क्यों बना रही हो? बेटर होगा अपने आप से मतलब रखो। अब उनका कन्वर्सेशन लुडांग सुन लेता है और उस लड़की को वार्निंग देता है कि नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट दिन लुडांग की मम्मी स्कूल आकर लुडांग से कहती है, तो तुम स्टडी पर ध्यान देने छोड़कर लड़की पर ध्यान दे रहे हो और वो गलत ट्रैक पर ना जाए इसलिए उसके होम टाउन स्कूल पर ट्रांसफर करवाने का डिसाइड करती है। पर लुडांग ये स्कूल नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन उसके अंकल भी समझाते हैं कि होम टाउन का स्कूल इस स्कूल से बेटर है और अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए उस स्कूल से एंट्रेंस एग्जाम देना अच्छा रहेगा, इसलिए लुडांग भी मान जाता है। पर अब ट्रांसफर करवाने के बाद वो जेजे से नहीं बोल पाता है और जेजे भी उसका सेड फेस से आइडिया लगाती है कि शायद वो स्कूल वाले मैटर से परेशान है। वह स्कूल में वो कुछ स्टूडेंट्स को आपस में बातें करता हुआ सुनती है। वे लोग कहते हैं लुडांग काफी टैलेंटेड लड़का है, पर लगता है जेजे उसे बिगाड़ के रहेगी। तब उसे और लगने लगता है कि शायद इसलिए लुडांग बैड मूड में है और रिसेंटली उसे इग्नोर कर रहा है। घर जाते टाइम भी वो बात करती है तो लुडांग उसे चुप रहने कहता है। ये सुनकर उसे बुरा लगता है और वो भी लुडांग को स्पेस देती है कि शायद अभी उससे दूर रहना ही अच्छा होगा। अगले दिन रैन जियांग और फैंग को बताता है कि मेरी मम्मी से पता चला लुडांग उसके होम टाउन स्कूल में ट्रांसफर होने वाला है। जियांग कहती है शायद इस वजह से जेजे कुछ दिनों से अपसेट है और उसे कम्फर्ट फील कराती है कि कोई नहीं, बहुत ज्यादा दूर भी वो नहीं जा रहा है, तुम लोग हॉलीडे में मिल सकते हो। अब जब जेजे को जियांग से उसके स्कूल ट्रांसफर होने का बात पता चलता है तो उसे और बुरा लगता है कि उसे सबसे लास्ट में पता चला। वो लुडांग से कहती है मुझे पता है तुम उसे इरिटेट होते हो, बट क्या मैं इतने भी इम्पोर्टेंट नहीं हूँ कि तुम मुझे अपने स्कूल ट्रांसफर होने का बात बताना जरूरी भी नहीं समझे। लुडांग सिंपली सॉरी कहता है तो वो गुस्सा से चली जाती है और अब वो लुडांग को इग्नोर करने लगती है, उसे बात भी नहीं करती है। फैंग कहता है जेजे को क्या हुआ है, लुडांग को छोड़कर हम सबसे तो ठीक ही बात कर रही है। तभी सब देखते हैं कि वो एक लड़के के साथ घर जा रही है। जियांग कहती है ये हैंडसम लड़का कौन है। रैन इरिटेट होकर कहता है कि सेंगल से वो हैंडसम लग रहा है, वही लुडांग का जल से तो हम साफ देख रहे थे। घर आकर भी वो उस लड़के को सोचकर परेशान हो रहा था। दूसरी तरफ जेजे उस लड़के के साथ एक शॉप पर थी जो कि वो उसका कजिन था। अब यहाँ दोनों खाने को लेकर लड़ रहे थे, तभी वहाँ लुडांग आकर उन्हें ऐसा देख लेता है और गुस्सा से जाकर उस लड़के को दूर करते हुए पूछता है ये क्या कर रहे हो। जेजे का कजिन कहता है मैं इसे परेशान कर रहा हूँ या ये मुझे परेशान कर रही है। तब लुडांग जेजे से कहता है चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़ रखता हूँ, पर जेजे अपने कजिन को लेकर चली जाती है। के बाद उसका कजिन कहता है वो लड़का कौन था। जेजे कहती है फ्रेंड। उसका कजिन कहता है आर यू श्योर, लगता है तुम लड़कों को समझ नहीं पाती हो। फिर घर आकर वो लुडांग को मैसेज करना चाह रही थी कि वो लड़का मेरा कजिन है, पर नहीं करती है। अब नेक्स्ट डे जियांग के थ्रू लुडांग को पता चलता है कि वो लड़का तो जेजे का कजिन है। ये जानकर उसके फेस में स्माइल आ जाता है एंड उसी दिन घर जाते टाइम जेजे भी उसके साथ ही घर जाती है, जहाँ लुडांग कहता है सॉरी तुम्हें गुस्सा दिलाने के लिए। जेजे भी कहती है सॉरी तुम्हें इरिटेट करने के लिए। लुडांग कहता है नहीं तुमसे मैं कभी इरिटेट नहीं होता हूँ। जेजे पूछती है तो फिर ट्रांसफर होने के बाद मुझे क्यों नहीं बताया। लुडांग कहता है मैंने बाकियों को भी नहीं बताया है, मैं पहले तुम्हें बताना चाहता था क्योंकि तुम मेरी स्पेशल फ्रेंड हो, पर समझ नहीं आ रहा था कि कैसे बताता। फिर वो पूछती है कब ट्रांसफर होगे। लुडांग कहता है नेक्स्ट सेमेस्टर, वैसे क्या अब भी गुस्सा हो। जेजे कहती है नहीं। अगले दिन लुडांग के भाई लुली का एग्जाम का सेंटर लुडांग के स्कूल में पड़ा था, इसलिए उसके पेरेंट्स दोनों को साथ में रहने कहते हैं। यहाँ उनके पेरेंट्स लुडांग से कहते हैं अगर तुम्हें कुछ डाउट्स होगा तो लुली से पूछना, वो अपने सिलेबस के साथ साथ नेक्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस भी पढ़ रहा है। हालांकि हम लुडांग को खुश नहीं देखते हैं, लुली उसे पूछता भी है कि क्या मेरे आने से तुम खुश नहीं हो।
जहाँ लोडांग कहता है ज्यादा ओवरथिंक नहीं करो। नेक्स्ट सीन जेजे को जियांग के थ्रू पता चलता है कि उनके स्कूल में दूसरे स्कूल के कुछ स्टूडेंट्स आए हैं, जिनमें एक कितना जीनियस है कि 16 साल के एज में वो उनसे एक ग्रेड आगे है। पैंग यहाँ दोनों को उसका फोटो दिखाता है। इसके बाद साथ में लंच करने के लिए वे तीनों रैन और लोडांग का वेट कर रहे थे। यहाँ लूली भी लोडांग का वेट कर रहा था और यहाँ उन्हें पता चलता है कि ये जीनियस बंदा तो लोडांग का भाई है। लूली लोडांग से कहता है मम्मी आई हुई है। लोडांग कहता है वो तुमसे मिलने आई है, मुझसे नहीं, और सबके साथ चला जाता है। कितना अजीब है ना। लोडांग हर्ट होता था क्योंकि छोटे भाई से उसका कंपेयर होता था। लूली हर्ट होता था क्योंकि उसका अपने भाई जैसा कोई क्लोज फ्रेंड नहीं था। ये पेरेंट्स इतना कंपेयर करते क्यों हैं? दैट्स नॉट फेयर यार। अगले दिन कुछ स्टूडेंट्स बातें करते हैं कि लोडांग का भाई कितना जीनियस है, उनसे एक साल छोटा होने के बावजूद एक क्लास आगे है। ऑब्वियसली उनके घर में उनका कंपेयरिंग होता होगा। जेजे कहती है बट ऐसा नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट दिन सब रिजल्ट देखते हैं, जहाँ लोडांग का इस बार इंग्लिश मार्क्स काफी अच्छा आया था। तो जेजे अपना तारीफ करती है कि पढ़ाता कौन है, और यहाँ सब काफी हंसी मजाक करते हैं, जिन्हें देखकर लूली अपसेट होता है। घर में वो लोडांग से कहता है क्या कल हम लोग अम्यूजमेंट पार्क चलेंगे। लोडांग कहता है नहीं, मुझे होमवर्क करना है। फिर वो वीडियो गेम खेलने के लिए लोडांग से रिक्वेस्ट करता है। लोडांग तो पहले उसे मना करता है पर फिर एग्री कर जाता है। इससे लूली काफी खुश होता है। तभी उनके पेरेंट्स आ जाते हैं और लोडांग को सुनाने लगते हैं कि एक तो तुम अपने भाई जैसे टैलेंटेड भी नहीं हो और जो टैलेंटेड है उसे बिगाड़ने में लगे हुए हो। लूली कहता है आप लोग हमेशा लोडांग का कमियां क्यों निकालते हैं, गेम खेलने इसने नहीं मैंने इसे कहा था, पर आप लोगों ने पूछना जरूरी भी नहीं समझा। इसके बाद लोडांग अपना होमवर्क कंप्लीट करता है, जहां वो देखता है लूली रूम पर नहीं है। वो उसे कॉल करता है पर मोबाइल भी ऑफ था। वो अपनी मम्मी को बताता है कि लूली कमरे में नहीं है, तो वो उसे सुनाने लगती है कि सेम रूम में रहने के बावजूद तुम्हें होश क्यों नहीं रहा। फिर सब उसे ढूंढने लगते हैं और ढूंढते ढूंढते लोडांग एक शॉप पर पूछताछ करता है, जहाँ जेजे भी थी। तो अब जेजे भी उसे ढूंढने लग जाती है। इधर लूली कहीं नहीं मिलने पर उसका पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि पुलिस में रिपोर्ट करना चाहिए। तब लोडांग के अंकल कहते हैं पुलिस स्टेशन सभी को जाना जरूरी नहीं है और लोडांग को रेस्ट करने कहते हैं। इस पर उसकी मम्मी कहती है क्यों रेस्ट करेगा, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं। ये सुनकर वो फिर से ढूंढने निकल जाता है। दूसरी तरफ जेजे देखती है लूली एक जगह बैठा हुआ है। वो उसके पास जाकर कहती है मैं तुम्हारे ब्रदर की फ्रेंड हूँ। लूली कहता है जानता हूँ, तुम वही हो ना जिसने उसको रैबिट गिफ्ट करा था। जेजे कहती है अच्छा उसने ये बात भी तुम्हें बताया है। लूली कहता है नहीं, वो मुझसे कुछ शेयर नहीं करता है, बट फिर भी वो मेरा आइडल है। बचपन में तो मुझे अपना लेस बांधने भी नहीं आता था, पर वो केवल एक साल सीनियर होते हुए भी परफेक्ट था। लेकिन हमारा रिलेशनशिप तब से खराब होते गया जब से हमारे पेरेंट्स हम दोनों को एक दूसरे से कंपेयर करने लगे। मैं स्टडी में उससे भी बेटर था इसलिए सब मेरा तारीफ करते थे, जबकि उसका स्टडी इतना भी बुरा नहीं था जितना मेरे पेरेंट्स, और बाकी सब कंपेयर कर करके उसे गिल्ट फील कराते थे। हमारे पेरेंट्स कभी हम दोनों के फीलिंग्स को समझे नहीं है। भले ही सब मेरा तारीफ करते हैं पर मैं अपने भाई से तारीफ सुनने के लिए तरसता हूँ। पहले मुझे लगता था उसका पर्सनैलिटी है नहीं हंसने का, पर तुम सबसे मिलने के बाद पता चला उसे केवल हमारे घर का माहौल पसंद नहीं है। तब जेजे उसे कंफर्ट फील कराती है। इसके बाद दोनों लोडांग के पास पहुंचते हैं, जहां लूली लोडांग से सॉरी कहता है। फिर वे घर आ जाते हैं। यहां जेजे लोडांग को मैसेज करके सब बताती है कि लूली उसे क्या कहना चाहता है। इसके बाद सोने से पहले वो लूली को उड़ा देता है और इससे लूली के फेस में स्माइल आ जाता है। अब नेक्स्ट डे लूली का एग्जाम था, जहाँ लोडांग देखता है वो अपना एडमिट कार्ड ले जाने भूल गया है। इधर लूली को विदाउट एडमिट कार्ड अंदर घुसने नहीं मिल रहा था। तब लोडांग जल्दी से उसका एडमिट कार्ड ले जाकर उसे दे देता है और अच्छे से एग्जाम लिखने कहता है। इसके बाद टाइम बीतता है और जेजे का बर्थडे करीब आता है, जहां सब उसके बर्थडे गिफ्ट्स के लिए शॉपिंग करने जाते हैं। और यहां जियांग को एक ब्रेसलेट पसंद आता है पर प्राइस देखकर वो रख देती है। ये देखकर रैन दोबारा वो शॉप जाकर वो ब्रेसलेट खरीद लेता है और सोचता है क्या कहकर उसे देना सही रहेगा। फिर वो उसे कहता है मैं जेजे का गिफ्ट खरीद रहा था तो बाय 2 20% ऑफर था तो मैंने ये भी ले लिया, चाहो तो तुम रख सकती हो। जियांग कहती है क्या तुम मुझे लाइक करते हो। रैन नर्वस होते हुए कहता है इम्पॉसिबल, बिग आईज, फेयर स्किन, स्मॉल फेस, कर्ली लशेस, इन सब के अलावा और कुछ अच्छा है ही क्या तुम्हारे में। तुम मेरे टाइप की बिल्कुल भी नहीं हो इसलिए ज्यादा दिमाग मत लगाओ। अगले दिन स्कूल छुट्टी के बाद जेजे सबको बर्थडे ट्रीट देने वाली थी, लेकिन क्लास टीचर उसे कुछ काम दे देते हैं इसलिए काफी लेट हो जाता है, तो वो सबको घर जाने कह देती है। वो लोग भी रिप्लाई करते हैं कि ठीक है कल सेलिब्रेट होगा। लेकिन जब वो स्कूल से निकलती है तो उतना रात गए भी सब मिलकर उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। लोडांग उसे विश मांगने कहता है
और वो विश मांगती है कि मैं लुड़ांग का अंतिम बर्थडे उसके साथ सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। अगले दिन सब घर आ जाते हैं, जहाँ लुड़ांग उसे नीचे आने कहता है और उसे बर्थडे गिफ्ट देता है जिसमें कैमरा था। वेल, गिफ्ट देखकर वो काफी खुश होती है। अगले सीन लुड़ांग अपने होम टाउन जाने से पहले सबके साथ फोटो आईडी सेशन में जाता है और सबसे कहता है, मैं ज्यादा दूर नहीं जा रहा हूँ, छुट्टी में हम सब मिलते रहेंगे। जेजे कहती है, डोंट वरी, साल भर तो यूं ही बीत जाएगा। फिर सबका फोटो शूट होता है जिसके बाद वे साथ में फोटो भी खिंचाते हैं। अगले सीन होम टाउन निकलने से पहले दोनों एक दूसरे को अपना अपना ख्याल रखने कहते हैं। यहाँ लुड़ांग ये भी कहता है कि हम लोग सेम कॉलेज में एडमिशन लेंगे। जेजे कहती है हाँ, और यहाँ दोनों अपना अपना पासपोर्ट साइज फोटो एक्सचेंज करते हैं। अब तो मोबाइल है, पहले बोर्ड एग्जाम के बाद क्लोज फ्रेंड ऐसे ही फोटो एक्सचेंज करते थे, हमने भी करा है। वेल, अब नेक्स्ट सीन न्यू सेमेस्टर स्टार्ट होता है। उधर लुड़ांग के स्कूल में मोबाइल अलाउ नहीं था, इसलिए दोनों लेटर के थ्रू बातें शेयर करने लगते हैं। दिन बीतता है और समर सीजन आ जाता है, जहाँ वो लुड़ांग को बताती है कि तुम्हारे होम टाउन में मेरा और जियांग का एक एग्जाम है, तो मैं तुम्हारे होम टाउन जाने वाली हूँ। लुड़ांग भी बताता है कि इस सितंबर मैं भी एक एग्जाम देने काफी दूर जाने वाला हूँ, वो भी फर्स्ट टाइम अकेले। इसके बाद लास्ट सेमेस्टर में टीचर सभी को फॉर्म फिलअप करने कहते हैं कि वे कौन कौन से कॉलेज चूज करना चाहते हैं। जहाँ जे जे कहती है, मैंने और लुड़ांग ने डिसाइड करा है हम हुआ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे। फैंग भी बताता है वो फाइनेंस मेजर को लेने वाला है। रैन भी बताता है वो मेडिकल का फील्ड चूज करेगा, पर जियांग परेशान थी कि वो क्या लेगी और उसका परेशानी रैन नोटिस कर लेता है एंड उसे पूछता है क्या बात है। जियांग कहती है, तुम सबको पता है तुम सबका ड्रीम क्या है, पर मुझे नहीं पता है मुझे क्या करना चाहिए। यहाँ रैन कुछ भी नहीं कह पाता है। फिर दिन बीतता है और इसी तरह एक दिन स्कूल छुट्टी के बाद जियांग एक आदमी को चोरी छुपे स्कूल कैंपस घुसते हुए देखती है और ये बात जाकर स्कूल सिक्योरिटी गार्ड को बता देती है। ये देख रैन कहता है, उतने भी इडियट नहीं हो तुम, तुमने बिना फेस रिवील करके उस आदमी को पकड़वा भी लिया, और समझाता है तुम्हारे में यही स्ट्रेंथ है, तुम ब्रेव हो, टैलेंटेड हो, सही गलत में फर्क कर पाती हो, क्विक डिसीजन ले पाती हो, हर कोई इतना कूल नहीं होता। और अब ये सुनकर वो रिपोर्टर बनने का डिसाइड करती है। नेक्स्ट दिन जेजे के क्लास टीचर जेजे से कहते हैं, हुआ यूनिवर्सिटी में तुम एडमिशन लेना चाहती हो, पर एडमिशन लेने के लिए तुम्हारे मैथ्स को इम्प्रूव करना भी जरूरी है, और एडवाइस देते हैं कि बैकअप में दो दो और कॉलेज में फॉर्म अप्लाई कर देना सही रहेगा। इसलिए वो टीचर का बात मानकर एक ऑटोनोमस कॉलेज के एडमिशन इंटरव्यू में जाती है, जहाँ उसका मुलाकात एक लड़की से होता है जो लुड़ांग के ही स्कूल से थी। यहाँ बातों बातों में जेजे को पता चलता है कि लुड़ांग तो काफी पॉपुलर है, बट किसी लड़की को भाव ही नहीं देता है। ये सुनकर वो काफी खुश होती है। फिर इंटरव्यू के बाद वो सबको बताती है कि मैं अभी लुड़ांग के कैंपस तरफ जा रही हूँ। रैन कहता है, उसके पास तो मोबाइल भी नहीं है, कॉन्टेक्ट कैसे करोगी। जेजे कहती है, मैं बस उसका स्कूल देखकर आ जाऊंगी। अब वो उसके स्कूल पहुँचती है, जहाँ बाहर नोटिस बोर्ड में टॉप 10 स्टूडेंट्स का फोटो चिपका हुआ था, तो वो लुड़ांग के फोटो के सामने फोटो खिंचवाने लगती है। तभी वहाँ लुड़ांग पहुँचता है और बताता है, रैन ने लूली को कॉल करा था, उसने बताया तुम यहाँ हो। जेजे कहती है, बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। फिर लुड़ांग उसे कैंपस टूर कराता है, जहां वो कहती है, मैंने ऑटोनोमस कॉलेज में एडमिशन इंटरव्यू इसलिए दिया ताकि पेरेंट्स टीचर मेरे लिए वरीड ना हो, बट मैं खूब हार्डवर्क करूंगी ताकि हुआ यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए। और अब वो खूब हार्डवर्क करती है, हर टाइम स्कूल के अंदर बाहर से पढ़ना ही लगा रहता है, और इस तरह उनका एंट्रेंस एग्जाम भी स्टार्ट हो जाता है एंड कुछ दिनों में एग्जाम खत्म भी हो जाता है, जिसके बाद स्कूल के लास्ट दिन सब फोटो खिंचाते हैं। यहाँ रैन जियांग के साथ फोटो खिंचाने के लिए फैंग और जेजे के साथ जैसा तैसा फोटो खिंचाता है और जियांग के साथ ढेर सारा खिंचाने लगता है। इधर जेजे भी लुड़ांग को कॉल करती है और वो सरप्राइज देने उसके सामने हाजिर हो जाता है। फिर सब साथ में फोटो खिंचाते हैं, जिसके बाद सब फैंग के ग्रैंडमा के शॉप जाते हैं, जहां उनको पता चलता है कि ग्रैंडमा को जस्ट हॉस्पिटल ले जाया गया है। तुरंत वे हॉस्पिटल पहुंचते हैं और यहां रैन की मम्मी रैन को देखकर पूछती है, तुम यहां? रैन बताता है कि फैंग की दादी को यहां लाया गया है, जहां उसकी मम्मी फैंग से कहती है, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ है? फैंग कहता है, वो नहीं है, बस मैं और दादी ही है। रैन की मम्मी कहती है, डोंट वरी, तुम्हारी दादी ठीक हो जाएगी, छोटा सा बस सर्जरी होना है। इसके बाद सर्जरी होने तक सब ओटी के बाहर ही वेट कर रहे थे, जिसके बाद रैन की मम्मी कहती है, सर्जरी सक्सेसफुल रहा है। ये सुनकर सब रिलैक्स होकर घर जाते हैं, जहाँ बस में जे जे लुड़ांग के शोल्डर पर सो जाती है, इससे उसके फेस में स्माइल आ जाता है।
अब नेक्स्ट डे सब फिर दादी से मिलने जाते हैं और फैंग को कुछ देर रेस्ट और कुछ खा लेने कहते हैं। फैंग भी ऐसा दोस्त पाकर काफी खुश होता है। फिर अपनी दादी के पास जाकर कहता है, तुम अब रेस्ट करना, अब मैं कॉलेज में एडमिशन लेने वाला हूँ। जब मुझे कोई जॉब मिल जाएगा तो तुम्हें इतना हार्ड वर्क करने का जरूरत भी नहीं होगा। फिर सबसे कहता है, तुम सब मेरे लाइफ के बेस्ट पार्ट हो। अगले दिन लुड़ांग जे जे से कहता है, अगर कल फ्री हो तो क्या मेरे साथ बाहर चलोगी। और रूम आकर वो जियांग को बताती है कि कल वो लुड़ांग के साथ बाहर जाएगी। वो जियांग से पूछती है क्या कल इसी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाकर उसे कन्फेस करना सही रहेगा। जियांग कहती है, तुम श्योर कैसे हो कि तुम उसे लाइक करती हो। जेजे कहती है, क्योंकि मुझसे बेटर मुझे और कौन जान सकता है। उसे खुश देखकर मैं खुश होती हूँ, उसे सैड देखकर मैं सैड होती हूँ। वो साथ होता है तो सब कुछ इजी लगता है। क्या तुम्हें कभी ऐसा फील नहीं हुआ है? जियांग कहती है, नहीं, इवेंट सेन मेरा क्रश था बट इस तरह का कभी फील नहीं हुआ है। फिर जे जे को आइडिया देती है कि उसे किस तरह प्लान के साथ अपना लव कन्फेशन करना चाहिए और उसके बताए पहले प्लान के अकॉर्डिंग वो सॉफ्ट और क्यूट बनने का कोशिश करती है। पर लुड़ांग आकर कहता है, नॉर्मल बिहेव करो, जैसी हो वैसी रहो। फिर वो नेक्स्ट प्लान ट्राई करती है, यानी फिजिकल कॉन्टेक्ट, और इसलिए वो जानबूझकर दूसरों से टकराती है ताकि वो गिरे और लुड़ांग उसे पकड़ ले। लेकिन टकराने का तो टकरा जाती है बट एक लेडी के बाहों में गिर जाती है और इससे लुड़ांग को हंसी आ जाता है। फिर वह तीसरा प्लान ट्राई करती है, इनडायरेक्टली अपने दिल का बात बताना। वह कहती है, मेरे पेरेंट्स 30 साल से पहले मेरा शादी करवाना चाहते हैं, यानी मुझे 29 तक इंगेज होना पड़ेगा, पर उससे पहले 28 तक उसके पेरेंट्स से मिलना पड़ेगा, तो इसलिए एटलीस्ट 10 साल का रिलेशनशिप रहना भी जरूरी है, तो अब मुझे डेटिंग स्टार्ट करना चाहिए। ये सुनकर वो अंदर ही अंदर हंसता है। और यहाँ कोई भी प्लान वर्क नहीं करता है इसलिए वो लास्ट प्लान अप्लाई करती है। वो उसे एक टैरोट कार्ड रीडर के पास ले जाती है जहाँ जियांग उस आदमी से पहले ही डील कर चुके थे कि उन दोनों को क्या क्या बताना है, और इसलिए वो पहले जेजे को कार्ड चूज करने कहता है और उसका लव लाइफ बताता है। लुड़ांग की तरफ इशारा करते हुए कि तुम्हारा जो बॉयफ्रेंड बनने वाला है वो काफी लकी होगा। ये सुनकर लुड़ांग भी स्माइल करता है। फिर लुड़ांग को कार्ड चूज करने कहता है और बताता है, तुम्हारी होने वाली गर्लफ्रेंड अभी पिंक कलर का ड्रेस पहने हुए है। लुड़ांग कहता है, तो उसका नाम भी बता दो। अब वो टैरोट कार्ड रीडर उसका नाम नहीं जानता था इसलिए जेजे से उसका नाम पूछता है और वो भी चुपके से बता देती है। ये देखकर वो हंसने लगता है। दूसरी तरफ मार्केट में जियांग भी थी, तभी वहाँ रैन आता है और उसके साथ एक लड़की थी जो उसके मम्मी की फ्रेंड की बेटी थी और उसका पीछा छोड़ ही नहीं रही थी, इसलिए रैन उसे बताता है कि जियांग उसकी गर्लफ्रेंड है और जियांग को लेकर चला जाता है। जियांग कहती है, मतलब बलि का बकरा मुझे ही बनाना था, और उसे उसी टैरोट कार्ड रीडर के पास ले जाती है जहां वो दोनों को कार्ड चूज करने कहता है। वे कार्ड चूज करते हैं जिनको देखकर वो बताता है, ये दोनों कार्ड तो लवर्स कार्ड है, तुम दोनों का फेथ काफी गहरा है। जियांग उसे कहती है, एटलीस्ट मुझसे तो झूठ नहीं बोलो। रैन कहता है, मतलब तुमने इसे झूठ बोलने का पैसा दिया है। और बातों बातों में दोनों का बहस शुरू हो जाता है जहाँ इनडायरेक्टली रैन कह देता है, आई लाइक यू, इनडायरेक्टली कहता है, तब वो चली जाती है। अगले दिन जियांग की एक फ्रेंड उसे पूछती है, अगर तुम्हारा कोई गुड फ्रेंड तुम्हें प्रपोज करे तो क्या तुम उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करोगी। जियांग कहती है, नहीं, क्योंकि मान लो रिलेशनशिप सही से नहीं चला तो कितना ऑकवर्ड रहेगा, दोबारा फ्रेंड्स भी नहीं बन पाएंगे। और उसका ये बात रैन सुन लेता है। दूसरी तरफ जेजे और लुड़ांग फायरवर्क के वेटिंग में एक गेम खेलते हैं। गेम ये था कि 3 वर्ड से सेंटेंस बनाना था और यहाँ इस गेम के थ्रू लुड़ांग उसे प्रपोज करता है। वो 3 वर्ड्स कहता है, लुड़ांग लाइक्स जेजे। ये सुनकर वो शॉक्ड रहती है। लुड़ांग फिर कहता है, ऑनेस्टली आई लाइक यू, एंड तभी फायरवर्क स्टार्ट होता है और ऑफिशियली वे दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। अब घर जाते टाइम दोनों के स्टोमच में बटरफ्लाई वाला हालत था, ठीक वैसा ही जैसा रिलेशनशिप में आने के बाद फर्स्ट टाइम वो हाथ पकड़ने का फीलिंग्स होता है। अगले दिन घर आने के बाद वो काफी एक्साइटेड होती है कि फाइनली वो रिलेशनशिप में आ ही गए। उधर लुड़ांग भी बस ख्यालों में सोच कर खुश हुए जा रहा था। सीन शिफ्ट होता है जहाँ एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट आ जाता है और जेजे को भी इनफ मार्क्स मिलता है कि अब वो हुआ यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते थे। वो लुड़ांग को कॉल करती है जहाँ वो उसे घर के बाहर निकलने कहता है। जेजे भी आकर उसे हक कर लेती है और कहती है, मेरे तो बहुत सारे प्लान है, सबको एक एक कर पूरा करना है। लुड़ांग कहता है, सबसे पहला प्लान क्या है? वो कहती है, साथ में सनराइज देखना। लुड़ांग कहता है, उसके लिए एडमिशन का वेट क्या करना, और दोनों बाहर कैंपिंग करने का प्लान करते हैं। अब जेजे तो इमेजिन करने लगती है कि वहाँ जाकर वे रोमांस करेंगे, पर बेचारी का खुशी तो हैरानी में बदल जाता है जब पता चलता है कि उनके साथ रैन भी जाने वाला है।
तभी जियांग आकर उसे कहती है, डोंट वरी, इसे तो मैं हैंडल कर लूंगी। पर तभी फैंग भी बोरिया बिस्तर लेकर आ जाता है और अब इनका कपल कैंपिंग ग्रुप कैंपिंग में बदल जाता है। फिर भी जे जे लुरांग से कहती है नाइट में साथ में स्टार्स देखेंगे, पर यहाँ भी रैन कबाब में हड्डी बना हुआ था, इसलिए जियांग आकर उससे कहती है मेरा टॉर्च खराब हो गया, चलो बनाने में हेल्प करना। उसके जाने के बाद लुरांग कहता है फर्स्ट टाइम ये इतना अनोइंग लग रहा है। उधर टॉर्च ठीक करते करते रैन और जियांग का आई इंटरेक्ट होता है। यहाँ रैन उसे बताता है मैं आगे के स्टडी के लिए अब्रॉड जाने वाला हूँ। ये सुनकर जियांग का फेस उतर जाता है। इधर जेजे को ठंड लगता है तो लुरांग उसे अपना कोट पहनाना चाहता था, पर वो मना करती है कि इतना जल्दी इतना एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगी। तब लुरांग उसे हक करता है, तभी अंदर से फैंग उन्हें देख लेता है और रैन एंड जियांग को जाकर बताता है कि उसने बाहर किसी को हक करते हुए देखा। तब तक दोनों भी पहुंच जाते हैं और फैंग को अब जाकर समझ आता है कि बाहर वाले कपल तो यही दोनों थे। फिर सब सोने के लिए अपना अपना टेंट चले जाते हैं, जहाँ रैन और फैंग उसका हिसाब किताब करते हैं कि रिलेशनशिप में आ गए और हमें बताया तक नहीं। दूसरी तरफ जेजे तो खुश थे, पर रैन को लेकर जियांग का मूड ऑफ हो चुका था। नेक्स्ट मॉर्निंग सब सनराइज देखने जल्दी उठते हैं और शेयर करते हैं उन्हें आगे क्या करना है। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ जियांग रैन का लेटर पढ़ रही थी, जिसमें रैन ने लिखा था जब तुम ये लेटर पढ़ रही होगी तब तक मैं एयरपोर्ट पहुंच चुका हूँगा। फिर आगे लिखता है हम पांचों बेस्ट फ्रेंड्स अब अलग हो रहे हैं अलग अलग फील्ड में आगे बढ़ने के लिए, पर हम कितने भी दूर क्यों ना रहे एक दूसरे के लिए इम्पोर्टेंट ही रहेंगे। पर मैं उन तीनों के लिए उतना वरिड नहीं हूँ जितना तुम्हारे लिए हूँ। कभी कभी तुम काफी ब्रेव बनती हो पर कभी कभी डरपोक भी, बट डोंट वरी जब भी तुम्हें डर लगे मैंने जो कहा था वो याद रखना। एंड ये पढ़कर जियांग भी काफी इमोशनल हो जाती है। अगले सीन जे जे अपना कॉलेज पहुँचती है जहाँ एक नान नाम का सीनियर उसे उसका डॉर्मेटरी तक छोड़े रखता है। रूम पहुंचकर वो अपनी न्यू रूममेट से मिलती है और फिर लुरांग को मैसेज करती है कि मैं डॉर्मेट्री पहुंच गई हूँ। वो भी रिप्लाई करता है कि मैं भी अभी डॉर्मेट्री में ही हूँ। कुछ देर बाद जे जे उसे बालकनी में आने कहती है, जहाँ उसे नीचे देखकर लुरांग के फेस में स्माइल आ जाता है। यहाँ लुरांग के रूममेट्स उससे कहते हैं क्या आज रात हमारे साथ डिनर करोगे, तो वो कहता है नहीं गर्लफ्रेंड के साथ डेट है। अगले दिन दोनों साथ में डिनर करते हैं। यहाँ रेस्ट्रो की एक स्टाफ रेस्ट्रो के 10th एनिवर्सरी में उनका फोटो खींचती है। इसी बहाने जे जे लुरांग को किस भी कर लेती है और खूब खुश हो जाती है। अगले दिन दोनों बस से डॉर्मेट्री आते हैं, जहाँ लुरांग कहता है मान लो मैं काला हो गया तो तुम क्या करोगे। जे जे कहती है तब तो मुझे भी काला होना पड़ेगा वरना हमारा मैच परफेक्ट नहीं होगा। फिर ढेर सारा बकबक करने के बाद वो उसके शोल्डर पर सो जाती है और धीरे धीरे क्लोज होते जाती है, इतना कि लुरांग उसे किस करने वाला था कि उसका आँख खुल जाता है और वो खुद उल्टा उसे किस कर लेती है और कहती है सॉरी तुम्हारा एडवांटेज लेने के लिए। तब लुरांग भी उसे किस बैक करता है। इसके बाद जे जे जियांग से बात करती है, जब वो पूछती है तुम दोनों तो एक ही कॉलेज में हो रिलेशनशिप में कुछ प्रोग्रेस हुआ या नहीं एटलीस्ट किसिंग विसिंग कुछ। ये सुनकर जे जे ब्लस कर जाती है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ फ्रेशर्स का मिलिट्री ट्रेनिंग स्टार्ट होता है। यहाँ बीच मार्चिंग में कमांडर जे जे को बुलाकर कहता है क्या तुम्हें पता है तुम सेम हाथ और पैर से मार्च कर रही हो। वहीं उसे देखकर एक लड़का नान से कहता है हर साल कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा टैलेंटेड आते ही हैं जो सेम हाथ और पैर से मार्च करते हैं। वेल नान कहता है फिर भी ये काफी क्यूट लग रही है। इसके बाद कमांडर जे जे के प्रैक्टिस का टास्क नान को दे देता है। इधर लुरांग जे जे को देखता है और उसे पानी का बोतल ले जा देता है, इससे वो काफी खुश होती है। तभी नान भी उसके लिए ड्रिंक लाता है पर वो तो पानी के बोतल में ही खुश थे। अगले दिन वो लुरांग से कहती है काश मेरे पास अभी जाली होता। लुरांग उसे जाली देता है। जे जे कहती है काश केक भी होता, तो लुरांग उसे केक भी देता है। जे जे फिर कहती है काश कुछ स्नैक्स भी होता, तो लुरांग उसे स्नैक्स भी देता है। जे जे कहती है वाओ तुम तो मेरे डोरेमोन हो। अगले सीन जे जे की रूममेट सबको एक लड़के का फोटो दिखाती है जिसे इस साल मोस्ट हैंडसम का और सबसे ज्यादा वोट मिला था। ये देखकर जे जे काफी खुश होती है क्योंकि वो लुरांग ही था। एक रूममेट कहती है इसे अप्रोच करना बड़ा हार्ड रहेगा, पता नहीं एंड में कौन लड़की इसे अप्रोच कर पाएगी, पर जो भी कर पाएगी मैं उसे महीने भर ड्रिंक दूंगी। ये सुनकर जे जे कहती है ड्रिंक रेडी रखना मैं अप्रोच करने वाली हूँ। और अब वो अपने रूममेट्स के सामने लुरांग को अप्रोच करने का प्रिटेंड करती है। इसी बीच एक दिन वो लड़की और लुरांग का एक रूममेट शॉप पर थे, जहाँ दोनों लुरांग और जे जे को साथ में देखकर हैरान होते हैं।
फिर जे जे अपने रूममेट्स को अपने और लोरांग के बारे सारे स्टोरी बताती है। ये सुनकर सब काफी इंटरेस्ट के साथ उसका स्टोरी सुनती है। दूसरी तरफ लोरांग के रूममेट्स भी उससे उनका स्टोरी पूछते हैं कि पहले कौन प्यार में पढ़ा, पहले किसने स्टेप बढ़ाया, पहले किसने प्रपोज करा वगैरह वगैरह। अगले सीन जे जे मीडिया डिपार्टमेंट ज्वाइन करती है जहाँ वे सब काफी बिजी थे एंड उस डिपार्टमेंट का प्रेसिडेंट नान था। नान कहता है हमें 2 दिन के अंदर एक प्रोमो वीडियो यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर रिलीज करना है, इसलिए फ्रेशर्स के वेलकम के लिए हमारे पास टाइम नहीं है अभी। जे जे कहती है कोई बात नहीं, मेरे लिए भी कुछ काम है तो दे सकते हो। तब वाइस प्रेसिडेंट उसे एडिटिंग का एक काम दे देती है। नेक्स्ट इन डॉर्मेटरी रिटर्न जाते हुए वो लोरांग से चैट भी किए जा रही थी, उधर नान उसे देख रहा था। इसी बीच वो लैंप पोस्ट से टकराने वाली थी कि नान आकर उसे साइड करते हुए कहता है इतना भी क्या जरूरी मैसेज है, ऑलमोस्ट हम टकरा ही जाते। जे जे कहती है इम्पोर्टेंट तो है। फिर नान कहता है तुम फर्स्ट हो जो डिपार्टमेंट ज्वाइन करते ही तुम्हें काम करना पड़ा, क्यों ना मैं तुम्हें ट्रीट दूं। जे जे कहती है फिर कभी, जब सारे डिपार्टमेंट के मेंबर फ्री होंगे तब, और अपने डॉर्मेट्री चली जाती है। नेक्स्ट डे वो लोरांग को बताती है कि यूनिवर्सिटी वेबसाइट में हमारा एक प्रोमो वीडियो अपलोड हुआ है जिसमें मैंने भी वर्क करा है। तब लोरांग उसे कॉम्प्लीमेंट देता है। फिर वो कहती है कल मुझे एक सेमिनार अटेंड करना है, पर तुरंत बाद इंग्लिश का 2 लेक्चर भी है, तो क्या तुम पहले जाकर मेरे लिए सीट रख दोगे प्लीज। लोरांग कहता है ठीक है। नेक्स्ट डे लोरांग क्लास तो पहुंच जाता है, पर टीचर के आने के बाद भी जे जे नहीं पहुंची थी। अब टीचर अटेंडेंस लेते हैं, जहाँ जे जे का नाम आने पर लोरांग और नान दोनों उसका अटेंडेंस बना देते हैं। तब टीचर कहते हैं क्या तुम दोनों जे जे हो, क्या तुम लोग लड़की हो। अगले दिन क्लास ओवर होने के बाद नान जे जे से कहता है मैं अटेंडेंस लगाने में तुम्हारा हेल्प कर रहा था, पर एक और लड़का भी तुम्हारा हेल्प कर रहा था, इसलिए हेल्प करने के चक्कर में तुम अब्सेंट हो गई। तभी लोरांग जे जे को बुलाता है और वो उसके पास चली जाती है। फिर उसे बताती है वो मेरे मीडिया डिपार्टमेंट का प्रेसिडेंट है। लोरांग पूछता है क्या तुम उसे क्लोज हो। जे जे कहती है नहीं और उसे टीज करती है। अगले सीन आज लोरांग एंड उसके फ्रेंड्स को एक प्रेजेंटेशन देना था, पर वो पेन ड्राइव जे जे के बैग में भूल गया था। वो उसे कॉल करके लाने कहता है, तो जे जे भी जल्दी से पेन ड्राइव लेकर उसके पास पहुंचती है और कहती है पिछले बार तुम मेरा इंग्लिश क्लास अटेंड किए थे, इस बार मैं तुम्हें कंपनी दूंगी। और बताती है इस फ्लैश ड्राइव को रूम जाकर फिर से चेक करना, एक सरप्राइज है। अब लोरांग अपना प्रेजेंटेशन कम्प्लीट करता है, जिसके बाद गलती से उसका सरप्राइज्ड वीडियो प्ले हो जाता है जिनमें दोनों का कुछ स्वीट्स क्लिप था। यह देखकर पूरा क्लास एक्साइटेड हो जाता है। वहीं लोरांग के फेस में स्माइल और जेजे के फेस में एम्बैरेसमेंट था। वह कहती है अब सब मेरे बारे क्या सोचेंगे, कितना एम्बैरेसमेंट फील हो रहा है। लोरांग कहता है आई थिंक ये क्यूट था। जेजे कहती है हाँ, क्योंकि तुम्हें तो एम्बैरेसमेंट फील नहीं हो रहा है। लोरांग कहता है तो फिर नेक्स्ट क्लास में मैं अपना लव कन्फेस करूंगा। ये सुनकर वह खुश हो जाती है। फिर लोरांग उसे टीज करता है कि आई थिंक कल से ज्यादा आज तुम पे प्यार आ रहा है। वहीं उसकी रूममेट्स भी उसे टीज करना नहीं छोड़ती है कि अब तो तुम पूरे कैंपस में फेमस हो गई हो। उधर लोरांग भी बार बार वो वीडियो देखकर खुश हुए जा रहा था। अगले दिन क्लास ओवर होने के बाद जे जे अपने फ्रेंड से कहती है आज मेरे डिपार्टमेंट का गैदरिंग है तो रूम आने में लेट होगा। एक कहती है तुम्हारे डिपार्टमेंट का प्रेसिडेंट नान है ना, काफी जेंटल है, उस दिन तुम्हारा तबीयत खराब हुआ था तो उसी ने तुम्हारे लिए मेडिसिन लाकर मुझे दिया था, मैं ये बताने भूल गई थी। इसके बाद उसका पूरा डिपार्टमेंट पार्टी करता है जहाँ एक मेंबर जे जे को ड्रिंक करने कहता है, पर नान देखकर समझ जाता है कि उसे ड्रिंक करना पसंद नहीं है और उसे जूस पीने कहता है। फिर सब ट्रूथ एंड डेयर गेम खेलते हैं। अब जब नान का टर्न आता है तो वो ट्रूथ चूज करता है, इसलिए एक उसे क्वेश्चन पूछती है क्या तुम किसी लड़की को लाइक करते हो। नान जे जे की तरफ देखकर कहता है हाँ। तब सब क्वेश्चन करने लगते हैं कि कौन है वो लड़की, नाम क्या है, कौन से डिपार्टमेंट से है। नान कहता है एक बार में एक ही क्वेश्चन। दूसरी तरफ लोरांग उसके मैसेज का वेट कर ही रहा था और जैसे ही वो मैसेज करती है कि गैदरिंग खत्म हो गया मुझे पिकअप करने आ जाओ, वो दौड़कर चला जाता है। दूसरी तरफ नान उससे कहता है चलो मैं डॉर्मेटरी तक छोड़ रखता हूँ। जे जे कहती है नहीं मेरा बॉयफ्रेंड आने वाला है। नान कहता है उस दिन तुम्हारा अटेंडेंस लगाने में जो हेल्प कर रहा था क्या वही तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। जे जे कहती है हाँ वो दुनिया का बेस्ट इंसान है। तब तक लोरांग भी पहुंच जाता है और जे जे उसके साथ चली जाती है और जे जे को लोरांग के साथ खुश देखकर नान जे जे को गिव अप कर देता है। उधर लोरांग पूछता है उसके साथ क्या बातें कर रही थी। जे जे कहती है मेरे बॉयफ्रेंड के बारे, यही कि वो सबसे बेस्ट है और मैं उसे बहुत लाइक करती हूँ। ये सुनकर उसके फेस में स्माइल आ जाता है।
फिर जेजे कहती है तुम एकदम डल पर्सन हो, फिर भी मैं अपने दिल में तुम्हें कितने सालों से रखी हूँ, वाकई मैं कितनी अच्छी लैंड लेडी हूँ। तब लोडांग उसे अपने तरफ पुल करके किस करता है और कहता है तो फिर रेंट पे करना तो बनता है। जेजे कहती है लेकिन बहुत सारा रेंट बाकी है, इंटरेस्ट के साथ पे करना होगा। सीन शिफ्ट होता है जहाँ लोडांग के डिपार्टमेंट के प्रेसिडेंट जू नाम की एक लड़की को एक प्रेजेंटेशन का टास्क देते हैं और जू लोडांग को भी अपने टास्क में घसीट लेती है। फिर बाद में सॉरी कहती है कि मैंने जबरन तुम्हें अपने प्रोजेक्ट में शामिल कर लिया, गुस्सा तो नहीं हो रहा है ना? लोडांग कहता नहीं कोई बात नहीं। जू कहती है तो फिर चलो मेरे तरफ से ट्रीट बनता है, बट लोडांग मना करता है। इसके बाद जेजे की एक रूममेट कहती है आजकल तुम कुछ ज्यादा ही रूम पर रहती हो। जेजे कहती है हाँ मुझे भी ऐसा लग रहा है। फिर वो लोडांग को मैसेज करती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड आज रात साथ में डिनर करना चाहती है, तो लोडांग भी रेडी हो जाता है। अगले दिन लोडांग अपना काम कंप्लीट कर जाने लगता है पर जू कुछ वर्क रिलेटेड डिस्कशन के लिए उसे रोकती है। अब कुछ देर बाद वहाँ जेजे आती है तो जू उसे देखकर कहती है लगता है कुछ ज्यादा ही लेट हो गया है, और फिर वो दोनों को अकेला छोड़ चली जाती है। नेक्स्ट दिन जेजे की रूममेट उसे बताती है कि मैंने तुम्हारे डिपार्टमेंट की जू को वेबो में फॉलो करा है और वहाँ उसने लोडांग के साथ खुद का फोटो पोस्ट करा है। फोटो देखकर जेजे कहती है पर ओरिजिनल फोटो तो ऐसा है। उसकी रूममेट्स कहती है लगता है वो दूसरों को मिसलीड कर रही है, किसी को भी लगेगा कि लोडांग उसका बीएफ है और कैप्शन भी उसका मिसलीडिंग वाला है। जेजे भी उसका आईडी देखकर इरिटेट होती है क्योंकि वो कंटिन्यूअसली लोडांग का पिक्चर पोस्ट कर ही रही थी। इससे एक दिन जेजे सोच ही लेती है कि बस बहुत हो गया, अब डायरेक्टली उसे बात करना होगा। इसलिए वो जू के पास जाती है और कहती है मैं वेवो पर एक लड़की का पोस्ट देखती हूँ, कंटिन्यूअसली वो मेरे बॉयफ्रेंड का फोटो डालते रहती है और उसका कैप्शन भी मिसलीडिंग वाला रहता है, इससे मुझे काफी बुरा लगता है। जू कहती है यूजुअली मैं काफी बिंदास टाइप से रहती हूँ तो उतना ये सब माइंड नहीं करती, पर अगर तुम्हें इससे हर्ट हो रहा है तो मैं फोटोज डिलीट कर दूंगी। जेजे कहती है हाँ, क्योंकि इतने छोटे से मैटर के लिए लोडांग को मैं परेशान नहीं करना चाहती। अगले दिन लोडांग के डिपार्टमेंट का मीटिंग था जहाँ जू काफी लेट पहुँचती है, ऊपर से ऐसा प्रिटेंड करती है जैसे उसे किसी ने कितना हर्ट किया हो। इसके बाद जू की एक फ्रेंड लोडांग से कहती है अगर जू अपने सोशल मीडिया में तुम्हारा फोटो अपलोड करती भी है तो क्या दिक्कत है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड उसे पोस्ट डिलीट करने के लिए बुली क्यों कर रही है। लोडांग कहता है तो जू ने फोटो डिलीट करा या नहीं, अगर मेरी गर्लफ्रेंड को ये अच्छा नहीं लग रहा है तो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। वहीं दूसरी तरफ जेजे की रूममेट उसे बताती है कि लोडांग के डिपार्टमेंट वाले लोडांग को टारगेट कर रहे हैं कि उसके वजह से जू हर्ट हो रही है। जेजे कहती है लगता है मुझे अपना लास्ट प्लान अप्लाई करना ही पड़ेगा, और वो ड्रेस चेंज करने रूम चली जाती है। इधर जू लोडांग से कहती है सॉरी अगर मेरी फ्रेंड ने कुछ उल्टा पुल्टा कहा हो तो। तब तक वहाँ जेजे आ जाती है जो कहती है मैं उन फोटोज के बारे ही एक्सप्लेन कर रही थी। जेजे कहती है कोई नहीं मैं अपने बॉयफ्रेंड को एक्सप्लेन कर दूंगी। जो कहती है वैसे सॉरी अगर मेरे वजह से तुम दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हुआ हो तो। जेजे कहती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, और उसे उनके साथ डिनर करने कहती है जहाँ जू लोडांग का अटेंशन पाने के लिए पैर दर्द कर नौटंकी करती है। ये देख जेजे बीच अक्कर आने का नौटंकी करती है और जेजे का ये सब हरकत देकर लोडांग हंसता है कि सच में मेरी जीएफ किसी से हार मानने वाली नहीं है। वहीं जू भी समझ जाती है कि वो कितना भी कोशिश कर ले दोनों के रिलेशनशिप में दरार पैदा नहीं कर सकती। इसके बाद जेजे लोडांग से कहती है इतना स्माइल क्यों कर रहे हो। लोडांग कहता है क्योंकि मेरी जीएफ काफी स्मार्ट है। जेजे कहती है पर इसके बाद तुम मास्क पहनकर रहना, ज्यादा हैंडसम होना भी सही नहीं है। अगले दिन जेजे देखती है लोडांग अपना सोशल मीडिया का डीपी चेंज करके उसका डीपी लगा दिया है। नीचे कुछ कमेंट्स था कि क्या ये तुम्हारी जीएफ है, लोडांग का आंसर था हाँ। इससे जेजे काफी खुश होती है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ विंटर वेकेशन में दोनों साथ में घर जाते हैं बस से, जहाँ दोनों साथ के जर्नी को खूब इंजॉय भी करते हैं। फिर वो घर पहुँचते हैं तब जेजे कहती है आई थिंक अब हमें हमारे घर वालों को भी बता देना चाहिए। इस पर लोडांग कहता है मैंने ऑलरेडी कल अंकल को सब कुछ बता दिया है और वे काफी खुश भी है। फिर अंदर जाने से पहले जेजे किसी मांगती है बट पहले लोडांग तो उसे टीज करता है फिर किस करता है, देन दोनों एक दूसरे को हग करते हैं। अब तभी बाहर से जेजे के पेरेंट्स आते हैं और दोनों को ऐसे देख लेते हैं, और उनका गुस्सा पीक पर चला ही गया था कि लोडांग को देखकर एकदम से नॉर्मल हो जाते हैं। फिर लोडांग को अंदर घुसाकर जेजे की मम्मी उसे जेजे का बैड हैबिट्स के बारे बताती है। जेजे मना करती है तो उसकी मम्मी सावज रिप्लाई करती है कि मैं तो इसे मेंटली प्रिपेयर कर रही हूँ।
अगले दिन जेजे लोरांग के अंकल से मिलने जाती है, पर काफी नर्वस थी। तो लोरांग कहता है, नर्वस नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर वो अंकल से मिलती है, जहाँ वो जेजे को थैंक्स कहते हैं लोरांग के फेस में स्माइल लाने के लिए। नेक्स्ट दिन वो लोरांग से कहती है, हम लोग एक दूसरे को 4 सालों से जानते हैं, पर ये फर्स्ट टाइम है जब हम लोग साथ में न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं। फिर वो विश मांगती है, तो लोरांग पूछता है, क्या विश मांग रही हो? जेजे कहती है, अभी नहीं बताऊंगी वरना पूरा नहीं होगा, और लोरांग इसे स्माइल करता है। फिर वो बहाने से लोरांग को अपना हाथ पकड़ने कहती है, तो लोरांग भी उसका हाथ पकड़ लेता है और जिस एंगल से उसे देखता है, वाओ, देन उसे किस करता है। अब इसके बाद वक्त के साथ साथ दोनों का रिलेशनशिप भी ग्रो होता है। टाइम के साथ लोरांग यूनिवर्सिटी के लास्ट ईयर अपना इंटर्नशिप भी स्टार्ट करता है, साथ साथ दोनों अपना स्टडी में फोकस भी करते हैं। बीच बीच में 5 वीडियो कॉलिंग पर बात भी करते हैं और वक्त के साथ हर कोई अपने अपने फील्ड में आगे बढ़ जाता है। इसी के साथ उनका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट होता है, जहां ग्रेजुएशन सेरेमनी के दिन लोरांग आकर उसे फ्लावर देता है, तो वो उसे हक कर लेती है। इसके बाद लोरांग उसे एक अपार्टमेंट ले जाता है और कहता है, अब से हम दोनों साथ में यहीं रहेंगे, वैसे सब तरफ देख लो, अगर कोई चीज पसंद नहीं आए तो बता सकती हो। हालांकि जेजे तो काफी खुश होती है, पर लोरांग को टीज करने उसे अपने पास बुलाकर बेड में बैठाती है और कहती है, तुमने मेरा बेड तो सही लगाया है। लोरांग कहता है, मैं तुम्हारा लगेज अनपैक कर रहा हूँ। जेजे कहती है, मैंने बेड चेक करा है, सॉफ्ट है, क्यों ना तुम भी मेरे साथ नाइट में चेक कर लेना। लोरांग अब उल्टा उसे टीज करता है कि हाँ क्यों नहीं। जेजे कहती है, मैं तो मजाक कर रही थी। लोरांग कहता है, पर मैं सीरियस हूँ, एंड उसे सोफे में पिन करता है। फिर दोनों में किसिंग होता है। अगले दिन जेजे एक कंपनी में इंटर्नशिप स्टार्ट करती है और देखते देखते कुछ महीनों का वक्त गुजर जाता है, जहाँ एक रात जेजे अपना काम कंप्लीट करने के बाद लोरांग को मैसेज करती है। लोरांग रिप्लाई करता है, आज मेरा लेट होगा, तुम वेट मत करना, घर चली जाना। पर वो फिर भी लोरांग के ऑफिस जाकर उसका वेट करती है और जब वो अपना काम कंप्लीट करके निकलता है तो जेजे को देखकर काफी खुश होता है। वो उसके पास जाकर कहता है, मैं थक गया हूँ, मुझे रिचार्ज होना है। तो जेजे उसे हक कर लेती है। फिर दोनों घर जाते हैं। दूसरी तरफ रैन भी चाइना रिटर्न जाने का तैयारी कर रहा था, जहाँ उसका रूममेट पूछता है, तुमने जो रिंग खरीदा था वो उसे देने वाले हो या नहीं। तभी सब उसे वीडियो कॉल करते हैं, जहाँ वो उन्हें बताता है कि कुछ दिनों में मैं भी चाइना रिटर्न जाने वाला हूँ। अब कुछ देर बातें करने के बाद सब एक एक कर ऑफलाइन हो जाते हैं और सिर्फ रैन एंड जियांग ही बचते हैं। तब जियांग उसे बताती है कि अभी वो वर्किंग आवर में है और यहाँ काफी ठंड है। वहीं रैन उसका लोकेशन नोटिस करता है और जियांग के लिए एक मफलर ऑर्डर कर देता है। अगले दिन लोरांग और जेजे बातें करते हुए जा रहे थे, वहीं रास्ते में उन्हें जेजे का पुराना क्लास मॉनिटर दिख जाता है। वो जेजे से पूछता है, क्या तुम दोनों अभी रिलेशनशिप में हो? जेजे कहती है, हाँ। फिर जेजे लोरांग से कहती है, तुम्हें ये लड़का याद है? लोरांग कहता है, हाँ, तुम्हारा प्रिंस चार्मिंग। जेजे कहती है, वाओ, तुम्हें इतना डिटेल भी याद है, सच सच बताना, उस टाइम तुम ऑलरेडी मुझसे प्यार करने लगे थे। लोरांग कहता है, नहीं, लेकिन वो ब्लश किए जा रहा था। नेक्स्ट दिन सारे फ्रेंड्स साथ में मिलते हैं और खूब इंजॉय करते हैं। यहाँ जेजे और फैंग ड्रिंक करने के बाद अपने आप को संभाल नहीं पा रहे थे। वैसे जेजे के लिए तो लोरांग था ही, पर वो उसे कहती है, मेरा सर दर्द कर रहा है, पैर भी दर्द कर रहा है। तब लोरांग उसे अपने बैग पर बैठा कर ले जाता है। अगले दिन जेजे अपने कंपनी के एक बिजनेस ट्रिप पर लेट हो रही थी। लोरांग देखता है वो अपना कैप भूल रही है, तो उसे कहता है, तुम कुछ भूल रही हो। तब जेजे उसे किस करके चली जाती है और लोरांग को हंसी आ जाता है कि कितनी इनोसेंट है। इसके बाद लोरांग के कुछ कलीग आज उसे कंपनी के पार्टी में शामिल होने कहते हैं, बट वो कहता है, मेरी गर्लफ्रेंड बिजनेस ट्रिप पर गई है तो मुझे जल्दी जाकर उसे कॉल करना है, एंड वो चला जाता है। इधर उसके कलीग आपस में बातें करते हैं कि कंपनी में इतनी फीमेल एम्प्लॉय है लेकिन आज तक कभी इसे किसी के साथ फ्लर्टिंग करते हुए नहीं देखा है। दूसरा कहता है, मैं भी इसके गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए क्यूरियस हूँ कि आखिर वो कौन है जैसे छोड़कर ये दूसरी लड़कियों की तरफ देखता तक नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जेजे लोरांग को बताती है कि अभी कुछ बड़े क्लाइंट के साथ मीटिंग में शामिल होना है पर मैं नर्वस हूँ, तो लोरांग उसे इनकरेज करता है। फिर जेजे बताती है कि मीटिंग के बाद डिनर प्लान भी है और काफी डिलीशियस फूड रहने वाला है, इसलिए मैं बिना खाए ही आ गई हूँ। अगले दिन हम उसे उसके कंपनी के क्लाइंट के साथ डिनर पर देखते हैं, जहाँ वही उनका इम्पोर्टेंट क्लाइंट जेजे के साथ मिसबिहेव कर रहा था। वो जेजे को अपने साथ वाइन पीने कहता है। इधर उसका बॉस भी इशारा करता है कि पी जाओ, क्लाइंट को खुश रखना भी जरूरी है, पर जेजे कहती है, सॉरी, मैं ड्रिंक नहीं करती। तब वो आदमी उसे खिलाने का ऑफर करता है, पर वो कहती है, मुझे भूख नहीं है। अब इसके बाद उसे काफी भूख लगता है, ऊपर से वो खाके भी नहीं आई थी।
प्लस इस रेस्टोरेंट से फूड ऑर्डर करने के लिए पहले टेबल बुक करना पड़ रहा था। तभी उसकी एक कलीग उसे कुछ राइस बन देती है और कहती है, बॉस ने कहा हो सके तो तुम घर चली जाओ, वरना वो क्लाइंट अगर तुम्हें फिर से देख लेगा तो तुम ट्रॉबल में पड़ सकती हो। और यहाँ जेजे को रोना आ जाता है। कहाँ वो सोची थी कि अच्छा अच्छा खाना खाएगी और कहाँ उसे बंद खाना पड़ रहा था। दूसरी तरफ लोरांग उसे कॉल करता है और उसके रवानसू बातों से समझ जाता है कि उसके साथ मिस्ट्रीट किया गया होगा। वो पूछता है, अभी तुम कहाँ हो? तब जेजे उसे लोकेशन बता देती है और बस स्टैंड में बैठी रहती है। कुछ घंटे बाद लोरांग उसके पास पहुंच जाता है और यहाँ लोरांग को देखकर वो रोने लगती है। तब लोरांग उसे हग कर लेता है। इसके बाद वो लोरांग के साथ चैन का नींद सोती है। फिर घर आकर वो उसके लिए नूडल्स बना देता है। जेजे कहती है, तुम कंटिन्यूसली 3 घंटे से ड्राइव किए हो, बहुत थक गए होगे और मुझसे काफी इरिटेट हो रहे होगे। लोरांग कहता है, अगर मैं तुम्हें लेने नहीं जाता तो मुझे और गिल्ट फील होता। दूसरी तरफ रैन जियांग से कहता है, मेरे एक दोस्त ने न्यू रेस्टोरेंट खोला है, अगर तुम फ्री हो तो आज रात मेरे साथ डिनर करने चल सकती हो। बट जियांग कहती है नहीं। तब वो लोरांग और फैंग को लेकर डिनर करने चला जाता है एंड उसी रेस्टोरेंट में जियांग किसी और लड़के के साथ डिनर करने आई थी। ये देख रैन को अच्छा नहीं लगता है। लोरांग पूछता है, तो तुमने अब तक से कन्फेस नहीं करा है? ये सुनकर फैंग भी लाइक, हर बात मुझे ही लेट क्यों पता चलता है? इधर रैन कहता है, कन्फेस करना इतना भी इजी नहीं है, मान लो प्रपोजल वो एक्सेप्ट नहीं करी तो फ्रेंडशिप भी पहले जैसा नहीं रहेगा। फैंग कहता है, इसका मतलब तुम उसे कभी प्रपोज नहीं करोगे? रैन जालसे से कहता है, लेकिन अब करूंगा। और नेक्स्ट दिन उसे प्रपोज करने के लिए उसके घर के बाहर उसका वेट करता है। पर जब वो आती है तो उसे कन्फेस करने का हिम्मत भी नहीं होता है और ना ही जियांग को हिम्मत होता है कि वो भी उसे कन्फेस करे। इसके बाद रैन उन दोनों से कहता है, मुझे नहीं लगता है जियांग मुझे लाइक करती है। लोरांग कहता है, इतनी जल्दी हार क्यों मान रहे हो? तब फैंग उन्हें बताता है कि इस वीकेंड हमारे हाई स्कूल के तरफ से एक गैदरिंग होने वाला है, क्या तुम लोग जाओगे? लोरांग कहता है, नहीं मैं बिजी रहूंगा। रैन कहता है, मेरा भी अपने फ्रेंड्स के साथ प्लान है। पर जब पता चलता है कि जियांग भी जाने वाली है तो अपना प्लानिंग इमिडिएटली कैंसिल कर देता है। अगले दिन पार्टी में रैन सोचता है, जब जियांग आएगी तो मुझे इतना कूल देखकर देखते रह जाएगी। पर जब वो आती है तो उल्टा वही उसे देखता रह जाता है। जियांग आकर कहती है, कहाँ खोए हो? रैन कहता है, आज तुम काफी ब्यूटीफुल लग रही हो। तभी एक लड़का आकर उसे डांस के लिए ऑफर करता है और उसे दूसरे लड़के के साथ देखकर रैन काफी जेलस फील करता है। अब अगले सीन जियांग की एक स्कूल फ्रेंड रैन से कहती है, तुम जियांग के साथ क्यों नहीं हो, कैसे बॉयफ्रेंड हो? रैन पूछता है, क्या मतलब है तुम्हारा? जहाँ वह कहती है, काफी सालों पहले जियांग बता रही थी कि वो तुम्हें लाइक करती है, तो क्या अब तक से उसने तुमसे कन्फेस नहीं करा है? मुझे लगा तुम दोनों रिलेशनशिप में हो। ये सुनकर रैन उसे थैंक्स कहकर जियांग के पास जाता है और कहता है, 4 साल पहले मैंने तुम्हें कुछ लेटर्स दिया था, बट एक और लेटर था जिसे मुझे देने का हिम्मत नहीं हुआ था, पर मैंने अब तक से संभाल के रखा है। और उसे वो लेटर पढ़कर सुनाता है जिसमें उसका लव कन्फेशन था। ये सुनकर जियांग उसे किस कर लेती है और अब दोनों काफी खुश थे। नेक्स्ट इन फैंग उन दोनों कपल के बीच थर्ड व्हील का काम कर रहा था और यहाँ लोरांग उन्हें बताता है कि वो जल्दी ही जेजे को शादी के लिए प्रपोज करने वाला है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ आज लोरांग के कंपनी में कुछ प्रोडक्ट का लॉन्चिंग इवेंट था जिसे फर्स्ट टाइम वो होस्ट कर रहा था। यहाँ जेजे काफी बिजी होने के बावजूद इवेंट में अटेंड होती है। यहाँ एक रिपोर्टर लोरांग से सवाल करती है कि इतने यंग एज में तुम इतना सक्सेस कैसे हो, जहाँ वो इसका क्रेडिट अपनी गर्लफ्रेंड को देता है। इससे जेजे की आंखों में आंसू आ जाता है। फिर इवेंट खत्म होने के बाद लोरांग उसे कहता है, तुम तो काफी बिजी थे। जेजे कहती है, हाँ बट फर्स्ट टाइम तुम होस्टिंग कर रहे थे, तुम तो चाह रहे थे कि मैं यहाँ रहूं। वैसे अगर तुम्हें काफी अच्छा लगा हो तो मुझे रिवॉर्ड दे सकते हो। लोरांग भी स्माइल करता है कि हर बात पर इसे केवल रिवॉर्ड में किस से चाहिए होता है। वेल वो किस करता है और उसे एक प्लेस ले जाता है एंड बताता है, ये घर मैंने हमारे लिए खरीदा है, देखो अगर तुम्हें कुछ चीज पसंद ना आए तो बता सकती हो। जेजे तो इतना बड़ा घर देखकर काफी खुश होती है। फिर लोरांग उसे एक और सरप्राइज देता है। वो कुछ रिकॉर्डेड क्लिप जो इन 4-5 सालों में उन्होंने साथ गुजारा था वो सब प्ले करता है। इसके बाद कहता है, मेरा लाइफ पहले काफी बोरिंग था, पर जब से तुम मेरे लाइफ में आई हो मुझे लाइफ चीयरफुल लगने लगा है। मैं विश करने लगा कि मैं तुम्हारे साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकूं, पर तुम्हारे साथ इतना टाइम स्पेंड करने के बाद भी मुझे ऐसा लगता है जिंदगी भर तुम ही वो पर्सन रहो जिसके साथ मेरा हर सुबह और रात हो। हमारा एक छोटा सा फैमिली हो, एक बच्चा हो जिसे तुम इंग्लिश और मैं मैथ्स पढ़ाऊंगा, उसके बर्थडे पर हम लोग मिलकर केक काटेंगे। और उसे शादी के लिए प्रपोज करता है एंड जेजे भी खुश होकर एक्सेप्ट कर लेती है।
अगले सीन जियांग जे जे को कॉन्ग्रेट्स कहती है और उसे पूछती है, तुम इतना जल्दी शादी कर रही हो, बाद में रिग्रेट फील नहीं होगा? जे जे कहती है, रिग्रेट फील तो अभी से ही हो रहा है, अगर मैं उसे पहले प्रपोज करती तो अब हम लोग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे होते। फिर दोनों और भी ढेर सारा बातें करती है, जिसके बाद जियांग लुडांग को कॉल करके आने कहती है, क्योंकि जे जे बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। इधर रैन जियांग से कहता है, आज तो तुम दोनों ने खूब मस्ती करा है, और उसे भी प्रपोज करने वाला था कि जियांग कहती है, नहीं बिल्कुल नहीं, इतना कैजुअली तुम प्रपोज नहीं कर सकते, मैंने तो ठीक से मेकअप भी नहीं करा है। दूसरी तरफ लुडांग जे जे को घर ले आता है, अब वो काफी ड्रंक थी, तो वो लुडांग से कहती है, तुम्हारा फेस तो काफी ठंडा है, तुम्हें ठंडा लग रहा है, और उसे हक करती है। फिर कहती है, मुझे पता है तुम मुझे बेवकूफ समझते हो, इसलिए किस नहीं कर रहे हो, तुम अब मुझसे प्यार नहीं करते। लुडांग कहता है, एक बार हनी बोलो, तो वो उसे हनी कहती है। फिर लुडांग उसे किस करता है, तब जाकर उसका नौटंकी बंद होता है, लेकिन क्योंकि वो ड्रंक थी तो लुडांग उसे सुला देता है और खुद भी उसके साथ सो जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ लुडांग और जे जे को हम उनके वेडिंग में देखते हैं। यहाँ किसिंग के साथ उनका वेडिंग कम्प्लीट होता है, जिसके बाद सब डांस वगैरह भी करते हैं। नेक्स्ट सीन जे जे लुडांग से कहती है, कोई एक ऑप्शन चूज करना, अपना हैंडसमनेस या मुझे। लुडांग कहता है, तुम्हें। जे जे कहती है, अपना हाइट या मुझे। लुडांग कहता है, तुम्हें। फिर पूछती है, पैसा या मुझे। लुडांग कहता है, इतना क्वेश्चन क्यों कर रही हो। जे जे कहती है, मतलब तुम पैसा चूज करोगे। लुडांग कहता है, नहीं रे बाबा, तुम्हें को चूज करूंगा। अगले सीन वे एक टाइम ट्रेवल मूवी देख रहे थे, तो जे जे उसे कहती है, अगर तुम्हें पास्ट में जाने का मौका मिले तो तुम क्या चेंज करना चाहोगे। लुडांग कहता है, मेरा पहले भी सब ठीक था, अब भी सब सही चल रहा है। तब जे जे कहती है, आई वांट किस। लुडांग कहता है, नॉट वांट, वी कैन जस्ट किस। नेक्स्ट सीन वो लुडांग को बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर लुडांग को यकीन ही नहीं होता है और वो काफी खुश होता है। वो उसे किस करता है और थैंक्स कहता है। अब कुछ महीनों के बाद जे जे की एक कलीग उसे कहती है, आज काफी जल्दी छुट्टी ले रही हो, अपने बेबी से मिलने जाओगी। जे जे कहती है, नहीं, मेरे पेरेंट्स उसे संभाल रहे हैं, मैं अभी अपने हाई स्कूल गैदरिंग इवेंट में जा रही हूँ। फिर गैदरिंग में सब स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर मिलते हैं। यहाँ जे जे लुडांग को हक करती है और फिर हमें स्टार्टिंग का वो सीन दिखाया जाता है जब दोनों फर्स्ट टाइम मिले थे, जहाँ लुडांग को भी लवेस्ट फर्स्ट साइट हो गया था। और इसी के साथ इस ड्रामा का हैप्पी एंडिंग होता है।